मित्रों, नटराज प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रंग संस्मरण 2 के दूसरे सत्र में अब हम संभव की ओर चलेंगे। इस नाट्य समूह की स्थापना का विचार राजेंद्र गुप्त, सुरेश भारद्वाज और देवेंद्र राज अंकुर के दिमाग का फितूर था। यहाँ लिखा है उपज था। सन 1984 में स्थापित संभव से अनेक लोग जुड़े, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र, पेशेवर अभिनेता, कलाकार, टेक्नीशियन आदि शामिल थे। आने वाले वर्षों में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो कुछ लोग निकले, मसलन अमिताभ श्रीवास्तव, आशीष विद्यार्थी, दीपा साही, वीरेंद्र सक्सेना, सुभाष उपगाता, अखिलेश खन्ना, सुरेंद्र शर्मा, सीमा भार्गव, मनोज पाहवा जैसे अन्य लोग भी संस्था से जुड़े। पिछले कई वर्षों से प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनका नेतृत्व सुनते हैं, अब खतरे में है। मन्नू भंडारी के नाटक महाभोज की नाट्य प्रस्तुति से संभव की गतिविधियां शुरू हुई। शुरुआती वर्ष में हर महीने में एक नया नाटक करना इसकी बड़ी उपलब्धि थी। बाद में काफी समय तक हर वर्ष 6 नाटकों का प्रदर्शन होता रहा। संभव ने देश के अनेक भागों में दौरा कर 70 से अधिक नाटकों का प्रदर्शन किया। इसकी प्रमुख प्रस्तुतियों में महाभोज, अधे अधूरे, नट सम्राट, रोशोमन, खामोश अदालत जारी है, एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, खाना बदोश आदि का नाम लिया जा सकता है। देश भर के दर्जन भर से अधिक नामचीन नाट्य निर्देशकों, बादल सरकार, कीर्ति जैन, राजेंद्र गुप्त, देवेंद्र राज अंकुर, हसनाम कनाई लाल, अमिताभ श्रीवास्तव, सुभाष उपगाता आदि ने इन नाटकों का निर्देशन किया है। अब संभव अंकुर जी, अच्छा पहले वो दिखाएंगे, एक मिनट बैठ के अपना ही करतूत देख लीजिए।
चाहेंगे कीर्ति तुम आ जाओ बैलेंस हो जाएगा आज ही किसी भी तरह का बैलेंस ले रहा दोस्तों हर संस्था का इतिहास होता है, संभव का भी इतिहास है और बहुत रोचक है। जनवरी 84 हम तीन लोग बहावलपुर हाउस के लॉन में बैठे हुए थे, क्योंकि फ्रीलांसर थे, कहीं भी बाहर से काम करके आते थे तो मुलाकात हो जाती थी। सुरेश भारद्वाज भारत भवन छोड़कर आ गए थे 83 में, हम लोग दिल्ली में थे ही, और गुप्ता जी कभी मध्य प्रदेश कभी और जगह जाकर वो फिर दिल्ली लौट आते थे। मैंने 81 में रायपुर में महाभोज का मंचन किया था उपन्यास के रूप में। तब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपेट्री कंपनी का भी महाभोज नहीं हुआ था और प्रस्तुति बहुत अच्छी हुई थी रायपुर में। अवंतिका मिर्जा मसूद की संस्था थी, उन्होंने मुझे बुलाया था और जून 81 में उसका मंचन हुआ। तो मैंने मनु भंडारी जी को पत्र लिखा कि आप आइए, आपके उपन्यास का मंचन हो रहा है।
तो उन्होंने कहा तुम वहां उपन्यास का मंचन कर रहे हो, मैं यहाँ अमाल के साथ उसका नाट्य रूपांतर कर रही हूँ, रेपेट्री को होना है। तो वो रेपेट्री का 82 मार्च अप्रैल में जाकर हुआ। तो मैं उसको दिल्ली लाने में इंटरेस्टेड था रायपुर वाली प्रोडक्शन को, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ था। तो मनु जी ने कहा कि पहले रेपेट्री का हो जाने दो, उसके बाद तुम लाना। तो 82 मार्च में रेपेट्री का हुआ, तब तक स्थानीय संस्थाओं की जो हालत रहती है वो प्रस्तुति लगभग लगभग बिखर चुकी थी। तो बात यूं शुरू हुई जनवरी 84 में कि महाभोज को दिल्ली में करना है और उसके लिए 10-12 एक्टर चाहिए और सभी पुरुष अभिनेता रायपुर की प्रोडक्शन में भी थे, वहां 15 लोग थे। तो यहां कम से कम कितने लोगों से काम चलेगा, तो 12 लोग। कॉस्ट कितना आएगा, उस वक्त श्री राम शेट्टी का बेसमेंट बहुत पॉपुलर था थिएटर, 210 रुपया में मिलता था एक दिन के लिए, और राजेंद्रनाथ जी उसके निर्देशक थे श्री राम सेंटर के। उस पर मैं बाद में आऊंगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। तो 4,000 रुपया कॉस्ट उसका वर्कआउट हुआ कि 12 लोग हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ रिहर्सल और ये और वो, क्योंकि वो खाली बेयर स्पेस पर किया गया था और सफेद कुर्ते पाजामे पहनकर, जो कि नुक्कड़ नाटक में लोग पहनते हैं लेकिन नुक्कड़ नाटक की शैली में नहीं था। बहरहाल 4,000 रुपए को 12 लोगों में डिवाइड किया तो 350 रुपया उसका मेंबरशिप फीस वर्कआउट हो गया। तो सुरेश भारद्वाज ने सवाल उठा दिया कि फिर एक ही प्रस्तुति क्यों नहीं एक संस्था बनाई जाए और उसमें हम लोग नियमित रूप से काम करें और हर महीने एक नया नाटक करें। तो हम तीनों ने कहा बहुत अच्छा मिलजुल कर आइडिया है। तो हम वहां से उठे, दिन का खाना श्री राम सेंटर की कैंटीन में खाते थे। तो रास्ते में जितने भी लोग मिले, अशोक जी ने अपने परिचय में कहा कि आने वाले वर्षों में मैं आपको यहां करेक्ट करना चाहूंगा कि एक ही दिन में ये सब लोग जुड़ गए। हम सुबह लंच के आसपास श्री बहावलपुर हाउस से उठे और श्री राम सेंटर तक पहुंचे। वहां जितने भी हमें लोग रास्ते में मिले, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ग्रेजुएट थे, पुराने नए सबसे मिले, और या जो हमारे अपने लोग थे, और वो हमारे लिए भी एक थ्रिल था, एक मतलब क्या कहना चाहिए कि इतनी खुशी थी कि शाम तक हमारे पास 20,000 रुपए का कलेक्शन हो गया। किसी ने कैश दे दिया, किसी ने चेक दे दिया, किसी ने कमिट कर लिया कि मैं दूसरे दिन लाकर दे दूंगा, और कईयों के कमिटमेंट शायद आज तक भी नहीं पहुंचे, वो भी होता है। लेकिन बहरहाल इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया। तो पहली प्रस्तुति महाभोज चुकी होना था, हमने 3-4 चीजें शुरू में ही अपने लिए कमिट कर लिया। एक तो ग्रुप का नाम, फिर सारे लोग बैठ गए जितने भी लोगों के साथ मुलाकात हुई थी, तो कई नाम आए, उसमें संभव नाम पर सहमति बनी। रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया तो वो वहां के जो भी मतलब क्लर्क और जो लोग हैं उन्होंने उसका नाम संभव 8 ग्रुप कर दिया। हो सकता है कोई संभव से कुछ चलता हो, आज देखता हूं तो संभव चिट फंड से भी एक चलती है संस्था। तो बहरहाल संभव 8 ग्रुप रजिस्ट्रेशन के रूप में है। हमने औपचारिकता के लिए उसमें सुरेश भारद्वाज का नाम जनरल सेक्रेटरी के रूप में, सुदीप चक्रवर्ती का नाम ट्रेजरर के रूप में, ये सिर्फ उनके लिए। अदरवाइज हमारी संस्था के संविधान में पहले दिन से ये तय हो गया कि इसका कोई अध्यक्ष नहीं होगा, इसका कोई एक आदमी सर्वे सर्वा नहीं होगा, और इसमें बहुत से निर्देशक बारी बारी से हर महीने जो नई प्रस्तुति होगी वो एक नया निर्देशक करेगा। इस तरह से कुल मिलाकर मैं पूरी लिस्ट भी लाया हूं और अशोक जी ने भी वो नाम सारे आपके सामने रख दिए हैं। देवेंद्र राजन कुर, राजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सक्सेना, सुभाष उद्गाता, अखिलेश खन्ना, विपिन शर्मा, अमिताभ श्रीवास्तव, सुरेश भारद्वाज, सीमा भार्गव, सुरेंद्र शर्मा,
कीर्ति जैन और हम लोगों ने मणिपुर से कन्हाई लाल सिंह को आमंत्रित किया, उन्होंने राशोमन का प्रस्तुति हमारे साथ की, और बादल सरकार को उनका जो तीसरा रंगमंच उसका एक शिविर उन्होंने हम लोगों के साथ आयोजित किया, 10-15 दिन का वो शिविर था। तो इस तरह से ये 12-15 लोग जो भी हैं वो जब तक ये एक्टिव रहा, मैं समझता हूँ कि 1984 से 1989 तक मोर और लेस 5 बरस जो शुरू के देखा है कि हर संस्था का लगभग इतिहास इतना ही बनता है, देशांतर 67 से 73 तक और भी अनामिका जितना भी देखे, फिर उसके बाद वो चलती रहती हैं लेकिन धीरे 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 अपनी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन 1989 तक इन सब लोगों ने काम कर लिया था। फिर चूंकि टेलीविजन आ गया था, फिल्में आ गई थी, हमारी सारी टीम और कहें तो आधी टीम वो मुंबई चली गई, वो हमारे लिए एक तरह का मतलब गर्व का विषय भी है और दूसरी तरफ हमारा लॉस भी है। दीपा शाही, सीमा भार्गव, मनोज पावा, वीरेंद्र सक्सेना, राजेंद्र गुप्त, विजय कुमार, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, राजेंद्र सेठी, ये नाम तो मुझे याद आ रहे हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो फिर ये तय हुआ कि अब कैसे होगा, तो सब लोगों ने कहा कि फिर मैंने कहा ग्रुप तो चूंकि चल रहा है, तो लोगों ने कहा कि आप संभालिए। तब से जिसे कहना चाहिए कि भारत की तरह से, मतलब हालांकि वो वनवास बहुत ज्यादा लंबा हो गया, 34 साल हो चुके हैं, 35वां साल ये चल रहा है जब हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और काफी काम कर रहे हैं। वो पूरी लिस्ट देखकर मैं हैरान रह गया, नटरंग वालों ने बहुत रिसर्च करके सारा मैटर तैयार किया है, हम लोगों ने भी मदद किया क्योंकि हम लोग सारे फ्रीलांसर थे और शायद हम लोगों ने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। जैसे आपने देखा भी इस स्लाइड शो में, हमने कभी अपना कोई ब्रोशर नहीं निकाल पाए, वो एक पेज का साइकोस्टाइल ब्रोशर होता था, फिर फोटोग्राफ्स भी कहीं एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाए। हो सकता है कि अभिनेताओं के पास अपने पास हो, मेरे पास तो मेरे अपनी प्रस्तुतियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और शायद मेरी उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। लोगों को काम हुआ, अच्छा हुआ, लोगों को याद रहा तो वो स्मृतियों में सुरक्षित रहता है और फोटोग्राफ या उसका इतिहास वो किताबों में है, बिखरा हुआ है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हिंदी में छप गई, जयदेव तनेजा की पुस्तक है हिंदी रंगकर्म दशाओ दिशा, वो पूरे संभव के इतिहास से भरी पड़ी है। उसके बाद मैं समझता हूं कि नेमीचंद जैन की जितनी आलोचना की पुस्तकें हैं उसमें संभव की पहली प्रस्तुति की आलोचना जो भी है, महाभोज की या ये आदमी चूहे की और जो भी बाद में होती रही, तो वो प्रिंटेड वर्ड्स में वहां पर समीक्षाओं के रूप में मैं समझता हूं कि उपस्थित है। इसलिए और दूसरा कोई जगह नहीं थी, कोई घर, मतलब सब फ्रीलांसर लोग थे, मेरा अकेले का घर दिल्ली में था लेकिन वहां वो थोड़ा दिल्ली के एरिया से बाहर था, मंडी हाउस के एरिया से, काम करने की जगह मंडी हाउस थी, तो इसलिए इन सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं गया। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि 3 बातें रही, एक तो हम पास नहीं देंगे किसी को, हम टिकटेड शो करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम कोई ब्रोशर नहीं निकाल पाए इसलिए कोई एडवर्टाइजमेंट इकट्ठा करने का भी सोर्स नहीं था। नंबर 3, कहीं से ग्रांट नहीं लेंगे, ये 1984 से लेकर आज, मतलब मैं कह सकता हूं और हम सब कह सकते हैं 2018 तक हमने कभी कोई सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। जो भी कुछ किया वो स्पॉन्सर्ड शोज इतने मिलते रहे, मतलब अशोक जी यहां बैठे हैं, मैं उनके सामने नहीं बोलना चाहता, मेरा उनसे कोई परिचय भी नहीं था, लेकिन दिल्ली में शो करते थे और प्रेस टिकट लेकर देखने आती थी, कविता नागपाल और चाहे जितने भी उस वक्त के बड़े बड़े रिव्यू लिखने वाले लोग थे, उन्होंने जम के रिव्यू लिखे, उससे हमारे शोज मतलब हमें मिलते थे।
मध्य प्रदेश कला परिषद होती थी उस वक्त, तो कभी जबलपुर में है, कभी भोपाल में है, कभी कारण जी ने कोई शो देख लिया उसकी वहां जाकर तारीफ कर दिया, सत्य हरीश चंद्र तो भोपाल का शो मिल गया। अब वो शो महीनों के बाद मिला था, अब कोई ठीक से रिहर्सल भी नहीं हुई और वो शो इतना फ्लॉप शो हुआ। तो इतना इंटरेस्टिंग किस्सा है, मुझे दूसरे दिन उज्जैन में कालिदास अकादमी में एक व्याख्यान देने जाना था, तो मैं बस में जा रहा था, सारी टीम वापस लौट गई दिल्ली, तो अखबार थे उसमें रिव्यू आया हुआ था और सब ने ऐसी मतलब धज्जियां उड़ाई प्रस्तुति की, और मैं पढ़ रहा हूं मुझे कोई नहीं जानता, तो वो सुख भी बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी ही प्रस्तुति की धज्जियां, हम जानते थे कि खराब शो हुआ है लेकिन अनजान लोगों के बीच में, सर ये भी जरा दिखाइए, ये अखबार दिखाइए, सब में फोटो के साथ, और मतलब जिसको कहते हैं कि, तो ऐसे ऐसे अनजान, भोपाल हिंदुस्तान का अकेला ऐसा शहर है, मुझे नहीं लगता कि किसी और संस्था ने इस तरह का सोचा होगा। हम लोगों ने सिर्फ चार प्रस्तुतियां की थी, महाभोज, पापुर, प्रकाश, ये आदमी चूहे, और महानगर तीन संवाद, जो एक मेरी पहली प्रस्तुति थी जिसको हमने संभव में रिवाइव कर लिया। तो सुरेश भारद्वाज जी चूंकि भोपाल रहकर आए थे, वो भोपाल में फेस्टिवल करेंगे, ठीक है, फेस्टिवल प्लान हो गया, 25 लोगों की टीम है, उनका आना जाना, वहां तीन चार दिन रहना, चार दिन का फेस्टिवल है, उसके बाद गांधी भवन में हमने रहने का इंतजाम कर लिया और टिकट पे शो किया। उस जमाने में 5 रुपया 10 रुपया जो भी टिकट, वहां रविंद्र भवन, क्योंकि भारत भवन में तो शो रंगमंडल के पास था, तो हम लोगों ने रविंद्र भवन में किया। और ये सच्चाई है, ये फैक्ट है कि आने जाने के सारे खर्चे मिलाकर, प्रस्तुतियों के सारे खर्चे मिलाकर और खाने के हॉल के किराया, और एक ब्रोशर हमने निकाला जिसमें फिर हम लोग मतलब जिसे कहते हैं कि एक मतलब मौजूद थे वहां भोपाल में कि वो लोगों को एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो हमने कहा चलो हम भी उनके पास चलते हैं, तो हम लोगों को बहुत मतलब विज्ञापन मिल गए। अकेला वही ब्रोशर हमने निकाला क्योंकि चार प्रस्तुतियां एक साथ थी। तो उस जमाने में 1984 के जून महीने की बात हम कर रहे हैं, सारे खर्चे निकालने के बाद हमें जब लौटते हुए ट्रेन में हिसाब किताब किया तो 3,000 रुपए की बचत हुई, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। हमारी प्रस्तुतियों का बजट 5,000 रुपया पर प्रस्तुति होता था पहले साल में, क्योंकि बेसमेंट का किराया देना है, 7 शोज हम करेंगे बेसमेंट में और ऑडियंस मेंबरशिप बनाएंगे, 50 रुपया सिंगल मेंबरशिप, 75 रुपया डबल कपल मेंबरशिप और 750 रुपया लाइट मेंबरशिप। इस तरह से हम लोगों ने कुछ जनरेट करने की कोशिश की। फिर जैसा मैंने कहा कि हमें स्पॉन्सर्ड शोज बहुत मिले, उसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत योगदान है, क्यों, क्योंकि रेपेट्री कंपनी, मोहन महर्षि निर्देशक थे, रेपेट्री कंपनी इस हालत में नहीं होती थी कि वो कहीं भी जाकर शो करे, तो उनका रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाता था कि आप लोग जाकर करेंगे, तो हमने उनके बहुत से शोज किए, मवाना शुगर फैक्ट्रीज में उनको बहुत स्पॉन्सरशिप मिलता था, कभी वो नहीं जा पा रहे थे तो वो शो हमारे हिस्से में आ जाते थे। अब अचानक शो मिलता था, ले लिया, अब रास्ते में गाड़ी में जा रहे हैं, 2-3 कारों में वहीं बैठकर लाइनों के लिए चले हो रही है, खामोश अदालत जारी है का शो, और एक शो में तो इन्होंने मुझे भी कास्ट कर दिया जज का रोल, खामोश अदालत जारी है में, पहले कोई और करता था वो नहीं जा पा, अखिलेश करता था वो नहीं जा पा रहा, तो ठीक है जज तो कुछ अपने सामने रजिस्टर वगैरह लेके बैठ सकता है, तो वो सारी स्क्रिप्ट मेरे सामने होती थी, और फिर कारण जी ने बता दिया था, उनको भी एक बार जज करना पड़ा, तो उनको लाइनें बड़ी मुश्किल से याद होती थी, तो वो फॉर्मूला मैंने भी अप्लाई किया, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कंटिन्यू कंटिन्यू। तो बहरहाल शो
जम के हुआ और अच्छा हुआ। और सुविधाएं बहुत देते थे क्योंकि कुछ लखनऊ भी थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट थे, प्रोफेशनल थे। अब आप सोचिए कि 84 में स्पॉन्सरशिप, तो कुछ हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, एयर से ही आ पाएंगे, तो वो भी दिया लोगों ने, मतलब शो, क्योंकि शो इतना अच्छा था। और गुवाहाटी तक गए और वहां पर वापसी में सब लोग ट्रेन से आ रहे थे, पता चला वहां बुकिंग नहीं है, सब लोग वापस लौट आए, ये आपने क्या किया, यहाँ तो कोई रिजर्वेशन नहीं, तो उन्होंने फिर सबको वापस बाई एयर भेजा। तो इस तरह की भी बातें हैं, लेकिन एक बात में जिसने सबको शायद जिंदा रखा, बाकी ये लोग बात करेंगे, कि 3 घंटा सिर्फ हम लोग रोज देते थे, सारे लोग फ्रीलांसर थे। जब जब जो प्रोडक्शन डायरेक्ट कर रहा है वो ही ग्रुप का सर्वे सर्वा है, उसी की सब लोग मानेंगे, जिसको वो कास्ट करेगा उसको कास्ट करेगा, जो टीम बनेगी सब कुछ प्रोडक्शन का उन्हीं को संभालना है, बाकी लोग बीच में आए उनका स्वागत है, या शो के दिन आए उनका स्वागत है। ये सारा कुछ करते करते हम लोगों ने पहले साल में 12 की बजाय 13 प्रोडक्शन किया, क्योंकि सर्वेश्वर जी का देहांत हो गया तो कविता जी का बहुत आग्रह था कि उनकी याद में भी कुछ किया जाए, तो हमने एक प्रोग्राम उनकी स्मृति में भी साथ किया। तो 13 प्रस्तुतियां पहले साल में की, फिर पहले साल के अंत में हमने एक रिट्रोस्पेक्टिव रखा, छोटे छोटे टुकड़े रखे अपनी साल भर की प्रस्तुतियों के, दर्शकों को बुलाया श्रीराम के बेसमेंट में, और सीमा भार्गव ने एक पूरी प्रस्तुति बयान, कमलेश्वर की एक कहानी है, उसको उसने तैयार किया और दर्शकों से सीधा संवाद किया, और दर्शकों ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, साल में 12 नाटक क्यों करना है, आप 6 नाटक कीजिए। तो हम लोगों को सुझाव अच्छा लगा कि थोड़ा सा रुक रुक कर काम करें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 रुपए हो गया। अब 2 प्रोडक्शन का 5,000-5,000 रुपए मिलाकर 10,000 रुपए हो गया। फिर राजेंद्रनाथ जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप पूरे साल भर के लिए बेसमेंट अपना बुक कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम इतना कर देते हैं, 210 रुपया था, बाद में फिर 230 हुआ या जो भी हुआ, तो हमने पूरे 12 महीने के हमारे शोज बुक होते थे, तो उसका क्या फायदा होता था, हमारी रिहर्सलें भी बेसमेंट में ही होने लगी। जब एक शो हो रहा है जो नया है, तो 7 दिन हम 2 बजे से हॉल में घुस जाते थे, वहीं सोना है, वहीं खाना है, वहीं अगले नाटक का भी रिहर्सल करना है, या और जो भी कुछ मतलब खुराफातें हो सकती थी वो सब, मतलब एक स्पेस चूंकि लगातार साल भर तक हमारे पास रहता था, तो इस तरह से। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, 5 रुपया टिकट होता था, क्योंकि 84-85 में आप बात करें 5 रुपया भी बहुत था, धड़ाधड़ लोग टिकट खरीदने आए, मैं ही बॉक्स ऑफिस पर रहता था, तो कितना टिकट है, 5 रुपया वापस लौट गए, इतना कम टिकट है, तो नाटक क्या होगा। तो हम लोगों को मतलब मजबूर होकर 10 रुपया टिकट बढ़ाना पड़ा। तो ये भी अनुभव है कि कुछ लोग कम कीमत का टिकट है तो सोचते हैं कि ये प्रोडक्शन भी ऐसी होगी या कुछ ऐसे ही होगा, मतलब। तो ये सारे अनुभव जो पहले 2-3 साल के हैं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्यासा रखना चाहिए और जो लोग बाकी बैठे वो भी शेयर करें। मेरा पहला अनुभव संभव के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 3 शो का अनुभव मैंने और कहीं नहीं किया, जो संभव में हुआ था, जब हम आधे अधूरे कर रहे थे और आधे अधूरे बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया था नाटक, और उसके मुझे मालूम है सुबह भी शो होता था और शाम को भी 2 शो लगते थे, और बहुत मजा आता था क्योंकि लगता था लाइफ ही यही है जैसे, और कुछ लोगों ने तो ऐसा बोलना शुरू कर दिया था कि मंडे हाउस की चाबी सीमा के पास रहती है, सुबह 7 बजे आगे खोलती है, 11:30 बंद करके चली जाती है। क्योंकि वो दरअसल मैं बहुत किस्मत वाली थी, क्योंकि जिस टाइम संभव चल रहा था उस वक्त संभव में ले दे के हम 2-3 फीमेल एक्ट्रेसेस थी, जिसमें से दीपा बहुत कम एक्टिव रहती थी, तो ज्यादातर प्ले में नाटकों का भाग कह लो या मेरा सौभाग्य कह लो वो मुझ पर ही रहता था।
तो इसलिए होता था कि एक नाटक तो हो रहा है, उसकी रिहर्सल हो रही है, एक की रीडिंग भी शुरू हो चुकी है तब तक। तो उस डायरेक्टर को भी ये है कि अरे सीमा तुम सुबह आ जाना, हम रीडिंग कर लेंगे। फिर दोपहर में एक की रिहर्सल है और शाम को शो में तो हुई, तो मतलब मेरा पूरा दिन जो है सिर्फ संभव के लिए था। और मैंने वो साल इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय, मुझे लगता है मेरी लाइफ का तो बेस्ट पीरियड था जब मैं संभव में काम कर रही थी, क्योंकि हर डायरेक्टर के पास इतने खूबसूरत नाटक थे कि उसे मिस ही नहीं किया जा सकता था। और ये सबसे बड़ी बात थी कि एक साल में 12 प्रोडक्शन करना, ये अभी तो मुझे नहीं लगता कि संभव है, क्योंकि हम अभी मैं अपना नया ग्रुप जो मैंने खोला है मैं चला रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था जब मैंने ग्रुप सोचा कि मैं अपना थिएटर ग्रुप बनाती हूँ, तो मेरे सामने संभव का एक एग्जाम्पल था, मैंने कहा अरे हो जाएगा सर। लेकिन जब करने लगी तो मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है एक ग्रुप को चलाना, या एक ग्रुप को इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, उसको स्टेबल रहना और इतने सालों तक रहना, जैसे कि अभी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इतने साल तक एक ग्रुप का चलाना बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल जितना टफ है थिएटर करना, मतलब बहुत सारी दिक्कतें अलग से आ गई हैं, जैसे कि ऑडिटोरियम की बात अंकुर जी ने की, तो कितना अच्छा था, एक दूसरे का सहारा मिल जाता है। जैसे नाथ जी ने एक सजेशन दे दिया किसी ने, क्योंकि सब शायद चाहते थे मिलके कि थिएटर रहे जिंदा, अभी ऐसा नहीं होता, कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, अभी 1.5 लाख रुपया आपका एक शो में खर्च हो जाता है, तो जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है थिएटर का। वो पहले का प्यार, वो पहले का एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि सभी शायद चाहते थे कहीं ना कहीं दिल से कि थिएटर रहे, क्योंकि इससे बड़ी ताजगी तो कहीं मिल ही नहीं सकती थी। और संभव ने तो मतलब और ग्रुप ने भी डेफिनेटली बहुत मेहनत की है, पर संभव का ये जो प्रॉमिस था, जो लगातार काम करने का प्रॉमिस था, और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि सबको बराबर का मौका मिलना। मतलब मेरा भी पहला, मैंने कोशिश की, मैंने अंकुर जी से कहा, अंकुर जी मैं भी एक ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि बयान अंकुर जी के साथ पहले हम कर चुके थे, और अंकुर जी ने अपने आप वो दूसरी एक्ट्रेस आभा के साथ किया था, विभा के साथ सॉरी, तो मैं अब इसको दोबारा से करना चाहती हूँ, तो अंकुर जी ने कहा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे लिए वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था कि संभव जैसा एस्टैब्लिश ग्रुप, पहली बार जो मैं फर्स्ट टाइम अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ, उसके लिए भी वो प्लेटफॉर्म खुला हुआ था। तो इतना बड़ा सहयोग मिलना किसी नए डायरेक्टर को या नई सोच को, वो बहुत बड़ी बात थी। और वो तो तब तक संभव बहुत एस्टैब्लिश हो चुका था जब मैंने बयान उनके साथ किया था। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की हिम्मत एक दूसरे को देना, वो जो चेन बनी हुई थी, वो जो एक रिश्ते बने हुए थे सबके, मुझे लगता नहीं कि अब संभव है। अब असंभव है। और ये जो दीजिए संभव जी जी। और अंकुर जी जो ये बात बता रहे हैं मवाना मिल की, तो मैं बताना चाहूंगी कि वो दरअसल क्या हुआ था कि एक एक्टर नहीं आ रहा था, तो उसका कैरेक्टर दूसरे ने किया, दूसरे का तीसरे ने किया, ऐसे करते करते अंकुर जी पे बाहर आ गया कि रास्ते भर में आपको काशी का तैयार करना है। तो अंकुर जी किताब लेके बहुत खुश थे कि मैं किताब खोलूंगा और मैं सब कर लूंगा। और मुझे अच्छी तरह याद है उस नाटक में इनकी किताबों के पेजेस जो थे वो आगे पीछे हो गए थे, और ये सारा टाइम ऐसे करते थे, हाँ हाँ ठीक है तुम बोलो, ढूंढ रहे थे कि मेरी लाइनें कहाँ चली। और हमें ये आ रहा था कि अरे किताब लेके बैठे तो क्यों ठीक हो। और उसमें 3 माइक लगे हुए थे जो हैंगिंग माइक थे, वो काफी सारे थिएटर के लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम ओपन में जाके थिएटर करते हैं तो अजीब सा स्टेज मिलता है और फिर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो ये बहुत हजारों की तादाद में ऑडियंस थी, तो कहा गया था माइक पे ध्यान रखना, माइक पकड़ लेना, आवाज पहुंचनी चाहिए, नाटक समझ आए ना आए, आवाज समझ आनी चाहिए। तो अमिताभ कर रहे थे उसमें रोल, काफी बड़ा रोल था इनका, वकील का। तो ये आते तो इनका सिर्फ इतना सा एक्सप्रेशन था, अच्छा अच्छा, लेकिन इनको लगा वो भी पहुंचना चाहिए, तो माइक पे गए, अच्छा अच्छा। सब लोग दिल से लगे थे एक डायलॉग लिस्ट होना चाहिए, सब माइक पे अच्छा अच्छा। और वो मतलब क्या, बीच में सबकी हंसी छूट रही थी कि इतना बड़ा। और उसके अलावा एक और चीज शेयर करना चाहूंगी, जो संभव ने, अब उन दिनों पैसे नहीं मिलते थे और घर से कपड़े लाने पड़ते थे, मम्मी की साड़ी लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, सब इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट्यूम के कोई पैसे तो होते नहीं थे। तो एक बार अंकुर जी आए और अंकुर जी ने कहा भाई एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बता दो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, पैसे मिलेंगे। हम सारे एकदम ऐसे, अरे पैसे मिलेंगे मतलब बताओ बताओ। तो अंकुर जी ने बताया कि एक नाटक है जो संस्कृत में करना है।
तो हम थोड़ा सा ऐसे हो गए, संस्कृत में कुछ नए पैसे बहुत मिलेंगे, 1000 रुपया पर शो मिलेगा, हमने अरे यार 1000 में तो कर लेंगे, अब लगे हुए सब रटने में संस्कृत, तो अब ये समझा ना अपना तो याद कर लेंगे, क्यों कैसे याद करेंगे, अपना तो रट लिया था, तो ये था कुछ इशारा रखो, मेरे से पहले जिसका डाला हुआ वो कुछ यूं कर दे तो तेरा खत्म हो गया। मैं अपना कैसे सबने इशारे बना लिए थे, और उसमें ये डर था कि कोई भूले ना, और ऐसा ही हुआ, अखिलेश खन्ना राज पुरोहित बने थे और उन्होंने जैसे ही कुछ बोलना चाहा वो भूल गए, और वो सबको यूं देख रहे हैं, अब इम्प्रोवाइज तो करी अब इम्प्रोवाइज नहीं हो सकता भाई, क्यों तो सही देना पड़ेगा, वो रुका हुआ प्लेयर सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन बोलेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता जो हम बोलेंगे उसका सही मतलब है भी। और सबसे डर ये था कि जो ऑडियंस बैठी है उसको संस्कृत आती है, हमें नहीं आती पर जो देखना है उनको तो आती है, तो कितनी पर शायद नहीं आती होगी उनको भी, क्योंकि उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और फिर हम लोगों ने 1000-1000 रुपए कमाए थे उस शो के, और बहुत मजा आया था, पहली बार संभव में इतनी बड़ी रकम सब एक्टर्स को मिली थी। पैसे को लेकर सीमा ने जिक्र किया, तो हम लोगों के यहाँ ये तय था कि नाटक करने से कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब पैसा आएगा तो वो सब में बराबर बराबर बटेगा, और आज तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम कभी बैंक में पैसा नहीं रखते, इसीलिए हर बार हम प्रस्तुति के लिए पैसा हमारा इकट्ठा करना पड़ता है, और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, इसीलिए शायद हम लोग 35 साल से पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर तरह से जुड़े हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब नहीं मिलना है तो सबको पता, शुरुआती 1 साल 2 साल कहीं कुछ नहीं था, फिर जब शोज शुरू हुए तो बराबर, उस वक्त तो 2000 रुपया पर शो मिलता था, आज अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1.5 लाख रुपया भी एक शो का दे रहा है, और कभी कभी हमें प्रस्तुति तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए भी मिल जाते हैं कि हमारे लिए ये फंक्शन है, श्रीलाल शुक्ल का पुरस्कार समारोह हो रहा है तो उनकी स्मृति में उनकी कहानियां करवाते हैं, तो अच्छी कहानियां, हमने प्रस्तुति तैयार की और उन्होंने पूरा कॉस्ट दिया, तो उसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना कितना पैसा लोगों को मिला होगा प्रस्तुति में काम करने का, वो आज तक चल रही है, और जब जब उसका शो होता है तो पैसे आते हैं, तो वो पूरा बटेगा। इस मामले में पूरी तरह से मतलब जिसे कहना चाहिए कि मार्क्स के भक्त हैं हम, वामपंथी हैं, और वैसे भी वामपंथी हैं तो ऐसे ही रहेंगे वैसे। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये अमिताभ जी चूंकि पहले दिन से ज्वाइन करके आज तक के सफर में मौजूद हैं, जैसे तो क्या अंकुर जी की और सीमा की बातें सुनकर कई सारी चीजें यानी कि स्मृतियां भी हो रही, यादें भी आ रही, घटना भी याद आ रही है, और कौन सी बोले कौन सी नहीं बोले यार ये भी पता नहीं, जो हमने नहीं बोली। जैसे कि अंकुर जी शुरुआत की कि महाभोज में रायपुर के शो से बहुत पहले की बात है, उसके पहले शायद 1983 की बात है, हम लोग गर्मी की छुट्टियों में खाली होते थे, कुछ काम धंधा होता नहीं था अपना, ऐसे ही मंडी हाउस के चक्कर काट रहे हैं, और जो रेलवे क्वार्टर्स बने हुए हैं कॉलेज लेन में वहां रहते थे मैं, वीरू और ज्ञान शिवपुरी, वीरेंद्र सक्सेना, ज्ञान शिवपुरी, और मैं, हम तीन लोग रहते कॉलेज लेन। अंकुर जी आए हुए, चलो कहानियां करते हैं, रचलिया करते हैं, तो हुआ कि और लोग भी जोड़ लिए जाए, तो सीमा जो है उद्योग श्री राम सेंटर में शायद धर्ममंडल में थी या निकल रही थी, नहीं नहीं मैं कर रही थी काम, मैं नाथ जी से बच बच के रिहर्सल करने आती थी, आप बोल सकते हो। तो ये हो गए सुरेंद्र शर्मा तभी पास हुए थे, विपिन शर्मा वीरू उसमें मैं वीरू ज्ञात हो गए, अब कहानियां सुनी तो बीच बहस में दिनो वर्मा की वापसी, मानी 10-11 कहानियां चुन ली गई की जाएगी, अंकुर जी क्योंकि अपना हिसाब किताब बहुत सही रखते हैं, उन्होंने बता दिया कि भाई इतना कुछ खर्चा वर्चा हो, चलो हम लोग अपना मिलजुल करेंगे, और हम लोग ऑडियंस वही की 10 रुपए में आपको चारों नाटक देखने को मिलेंगे, 4 दिन का शो था, 4 दिन आप लोग आ सकते हैं देखने के लिए, और कहानियां ही कहानियां उसका शीर्षक रखा गया प्रस्तुति का, उसका छपा हुआ ब्रोशर 2 पावा साहब के कलेक्शन में मिला वो, और
मालूम चला कि कोई ग्रुप नहीं था हम लोगों का, तो एक था अजीज कुरैशी, वो तैयार थे, हाँ भाई मेरे ग्रुप के बैनर में करो, शीरा ने इनका बुक किया गया, सीमा ने भी उसमें किया, विभा मिश्रा और सुरेश भारद्वाज भोपाल से आए और उन्होंने वहां पे एक कहानी तैयार की सोलो और वहां यहाँ पे आकर के उन्होंने किया, तो ये भी कहीं संभव के बनने की भूमिका में इसका एक अपने रोल था इस नाटक का भी। एक जो बताया अभी कि कहीं भी शो मिल गया और करना पड़ता था कि भाई कुछ पैसे मिलेंगे, एक बार शायद पता नहीं अशोक जी थे कि नहीं, भोपाल से हम लोगों के पास न्योता आया कि ये आदमी चूहे का शो आपका होना है जबलपुर में, जो होता था समारोह अलग अलग शहरों में चार दिन का शो, उसमें ये नाटक होना है। अच्छा कुछ हुआ कि जो हमारा एक राजेंद्र सेठी उसमें रोल करते थे, उसकी बहन की शादी थी, उसने मना कर दिया कि मैं रोल नहीं कर पाऊंगा। अंकुर जी रोल करते थे ये आदमी चूहे में, तो अंकुर जी ने कहा मैं भी नहीं जा पाऊंगा। एक आदमी तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम ये शो नहीं कर पाएंगे। E64 में हम लोग सुबह सुबह ऐसा सो ही रहे थे, सुधीर चक्रवर्ती जो हम लोग के ट्रेजर थे वो रहते थे नाभा हाउस में श्रीराम सेंटर के सामने, साइकिल पे चलते थे वो अपने साइकिल पे, उनके साथ एक आदमी और, हम लोग कमरे पे आ गए कि अरे बॉबी सुनो ये आए हुए भोपाल से, कह रहे हैं कल तुम लोग का शो है हम लोग का जबलपुर में, ये आदमी चूहे। हमने कहा तुम नहीं करेंगे शो, बुले नहीं दिए तो उसका प्रचार हो गया है, टिकट बिक गए, सब कुछ हो चुका है और मुझे भेजा के आदेश के साथ भोपाल से कि वो टीम को ले गया, वो कहाँ है समझ नहीं है। अच्छा फोन वगैरह होते नहीं थे, अब क्या किया जाए। अच्छा हम लोग नॉर्मली सुबह 9:30-10 बजे वहां पे अपना फ्रूट शॉप के पास एक गोल चक्कर था, वहां पे इकट्ठा होते थे। वहां अंकुर जी मिले कि अंकुर जी भोपाल से आए हुए हैं ऐसे ऐसे शो की, देखो अगर जाना तो करें साहब, टिकट मैं कराऊंगा आपका, फर्स्ट क्लास में टिकट कर दूंगा, यही बड़ी बात की फर्स्ट क्लास में सफर करने को मिलेगा, तो मैं स्लीपर में जाने वाले लोग एक लालच ये भी हो रहा है। तो अच्छा ये आशीष विद्यार्थी पढ़ता था हिंदू कॉलेज में शायद, तो लोग आने चाहते था, उसको बोला था कि आशीष को पकड़ो कॉलेज में, उसको कहा चले शाम को निकलना ट्रेन पकड़नी है शो करने जाना है जबलपुर। श्री वल्लभ व्यास जो रवि दिवंगत हुआ है कुछ दिनों पहले, वो घूमता हुआ मिल गया, तो उसको पकड़ा अंकुर जी ने, सो कहाँ जा रहे हो, चलो ये स्क्रिप्ट लो डायलॉग याद करो, जाना है कल शो है जबलपुर में। तो बाकी अंकुर जी का रोल कौन करे, तो लाइटिंग मैं कर लूंगा, आप रोल कर लीजिए अंकुर जी का, तो मैं भी मजा डालोग याद कर रहा हूँ। और हम लोग पूरी ट्रेन में सफर में डायलॉग याद करते हुए रिहर्सल करते हुए गए और बहुत अच्छा शो हुआ जबलपुर का, कमाल का शो हुआ। उसमें गालियां थे, माँ बहन की गालियां थे, कुछ कैरेक्टर्स थे जो अपना इसका बहुत मशहूर जो स्टैंड बैक का नॉवेल ऑफ माइस एंड मैन उसका एडेप्टेशन है, तो वो बारे में काम करने वाले लोग हैं, तीन चार लोग स्टेज पर बहुत पकड़ा होता था गाली, कि वो एक्टर था जो गाली पकड़ा था स्टेज पर। अरे साहब आप लोग ने मंच की बेइज्जती कर दी, इतना उस वक्त गाली बकाने वहां बहन की खड़े हो गई। अच्छा कमाल है कि हम लोग थोड़ा डर भी करते आप अजनबी शहर में नए शहर में वहां पे ऑडियंस, तो ऑडियंस के कुछ लोग 15-20 लोग उनके ऊपर चढ़ बैठे थे, तुम लोग पागल हो इतना अच्छा नाटक किया, तुम लोग गाली की बात कर रहे हो, नाटक भी देख रहे हो कितना नाटक हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव थे, एक अनुभव वो भी था कि महाभोज बड़ा हम लोग का हिट नाटक, बहुत शोर मिलते थे उसके करने के लिए, ताकि सब आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल करने की भी जाने की, कॉस्ट्यूम कुर्ता पजामा आपने सबने डाला चल दिए। कुछ कांग्रेस पार्टी का जलसा था क्या था मुझे पता नहीं है, तालचौड़ा गार्डन में हम लोगों को महाभोज का एक शो मिला, इसमें ताकि नेता वगैरह सब देखने के लिए आएंगे, करीब 1000-1200 की ऑडियंस थी, हम लोगों ने प्ले शुरू किया, देखा कोई देख ही नहीं रहा हमारा, हम लोग बोल रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा है, तो वो अच्छा करीब मेरे ख्याल से 1.25 घंटे का था प्ले, डेढ़ घंटे का प्ले था, तो वो उसको निकालो
तो हम लोगों ने वो डेढ़ घंटे का नाटक जो है पांच घंटे में खत्म कर डायलॉग काटे शुरू हो पूरा पूरे डायलॉग चंक। लेकिन शायद होता है कि वो एक्टर्स जो साथ में काम कर रहे थे इतने दिनों से, जो एक तारतम्य बना हुआ था, जो आपको सारे को डायलॉग बनाकर तैयार थे, तो कौन कहां से जंप कर रहा उसको दूसरा एक्टर फटाक से पकड़ता था। वो आप देखा कि संस्कृत नाटक में की जो है डायलॉग खुले तो सब लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह का भी एक अनुभव हुआ कि ऐसा ही जब मैं नहीं कहता गोरखपुर में हुआ कि आदमी चूहे का शो और सुना ये कि अखिलेश कथा अगर होता हो किस्सा कि वहां पे बहुत लोग दारू पिए और कुछ झगड़ा होना शुरू हो गया हॉल में, तो वहां भी नाटक वैसे ही समेटा गया। महाभोज का शो था और महाभोज मुझे सुनाने दो तो मैं गई थी उस शो में, वही सुना था। महाभोज नैनीताल में हमें शो मिला। अब जाहिर है कि नैनीताल हिल स्टेशन तो सीमा जी भी साथ लग ली क्योंकि उसमें नारी पात्र तो है नहीं, लेकिन नैनीताल जाना है, हिल स्टेशन है। अब वहां पर बड़की का रोल उस वक्त कर रही है, पूरे नैनीताल में हल्ला मच गया, लोगों का नाटक में तो इंटरेस्ट ही नहीं, बड़की कहाँ है, बड़की कहाँ है। उसको हम लोगों ने ग्रीन रूम में छुपा के रखा और अब शो शुरू हो गया। जो हूटिंग, मतलब महाभोज जैसी प्रोडक्शन जिसको हम लोग अपनी अच्छी प्रस्तुतियों में से एक मानते हैं, मैं समझता हूँ कि जितना उसका मतलब शोर शराबा वहां हुआ, बाद में पता चला कि नैनीताल के दर्शकों की ये आदत ही है, मतलब शाम को पहाड़ी मतलब मस्त हो जाता है, मतलब शाम को पी देख के साथ ही उनकी शाम शुरू होती है। बहरहाल तो हमने कहा उसी तरह से जल्दी से खत्म किया और गाड़ी की सीट के नीचे मुझे लिटा, गाड़ी के सीट के नीचे लिटा कर बस स्टैंड तक पहुंचाया। तो ये भी किससे सेलिब्रिटी के साथ काम करने के हम लोगों ने मतलब भुगते हैं। हम भोपाल छोड़ने के गए थे तो उसपे वो होर्डिंग्स जो है वो जयपुर में, हाँ, तो सारे आके मुझे कह रहे हैं सीमा अरे हाथी पे देखा अभी देर को, हाथी पे देखा अभी देर को। उस तरह मैं समझता हूँ कि एनआरओ जैसी प्रोडक्शन सीमान के साथ करने का मौका मिला। मंजुल भगत का एक छोटा सा उपन्यास था, घर में जो काम करने वाली बाई आती है उसकी आत्मकथा कहिए या उसकी पूरी कहानी कहिए, तो हम लोगों ने उठा लिया नॉवेल, उसकी रिहर्सलें तैयार हो गई। अचानक मंजूल जी को पता चला, क्योंकि हम लोग भी उस वक्त या तो कॉन्शियस नहीं थे या उससे लापरवाह होते थे, उनको बताया नहीं शुरू में, तो भड़भड़ाती हुई आ गई, कैसे ले लिया आपने, मैं तो रिहर्सल देखूंगी। हमने कहा रिहर्सल देखिए, तो यहाँ ये भारतीय विद्या भवन में हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल देखते ही, और सीमा उस वक्त तो बहुत ही मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितनी दुबली पतली रही होगी, फोटो में दिखाई दे रही थी, और उसके बाद वो बिल्कुल बदल गई। अरे आई एम वेरी सॉरी और ये और वो, हमने कहा हम आपको बताते तैयार तो हो जाने दीजिए। बहरहाल उसका जो मार्मिक पक्ष है वो ये कि श्रीराम सेंटर में हम लोगों ने दो दो शो किए, उसके दिन में मैटनी शो किया और शाम को इवनिंग शो किया, तो मैटनी में वही औरतें ऑडियंस के रूप में आई जो कि घर में झाड़ू पोछा सफाई वगैरह करती हैं, तो दैट वॉज द ऑडियंस जो कि 5-10 शोज में लगातार आती रही, और उन्होंने जो रिलेट किया इस तो मुझे मुझसे आके बैक स्टेज पे उन्होंने यही पूछा कि तुम कितना लेती हो काम करने का। हाँ वो बिल्कुल ऐसी हो गए कि अरे हमारा भी ऐसा है, वो बिल्कुल नहीं उनको मालूम था कि वो एक्ट्रेस है क्या है, वो मुझसे वैसे ही बात कर रही थी। अब वो पहली प्रोडक्शन थी जिसमें 7 मतलब लड़कियां काम कर रही थी, तो सुरेश भारद्वाज ने सेट भी ऐसा डिजाइन किया था कि एक एक खांचा हर एक मालकिन का है। अब अलका अमीन जो बाद में हमारे यहाँ फिर वो स्टूडेंट भी हुई एनएसडी में, वो एक शो के बाद कुछ कहीं और उसका काम आ गया, अब वो नहीं कर पाई, तो फिर अखिलेश खन्ना को मालिक के रूप में दिखा दिया कि अब किसी को क्या पता है कि 6 औरतें थी या 7 थी, तो एक मालिक भी आ गया। उसको लेकर भी हम लोगों ने बहुत मतलब टूर किया, स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें 6-7 लड़कियां थी और एक साथ उनको समेटना प्लस
सीमा की जो बेटी थी वो और ज्यादा मतलब जैसे कहना चाहिए कॉलेज स्टूडेंट थी, कविता वैद बाद में सीरियल में भी आई और कुछ बंबई ही शिफ्ट हो गई वो पूरी, तो इस तरह से दैट वाज वेरी मेमोरेबल प्रोडक्शन। एक बार मुझे याद है आधे दूरी के टाइम पे मनोज को शर्ट चाहिए थी, बुशर्ट चाहिए थी, मनोज को बुशर्ट चाहिए थी मनोज पावा को, और तो उससे लवली मिश्रा जो बेटी का रोल कर रही थी उससे कहा, तो उसने कहा मेरे फादर की एक शर्ट है तुम्हारे काम आ जाएगी और वो बिल्कुल ऐसी है जैसे बुशर्ट बिल्कुल जो चाहिए, तो उसने प्लीज ला देना, तो वो लेके आई और वो हो गया कि चलो मनोज की कॉस्ट्यूम आ गई, और दूसरे दिन मनोज का लवली का झगड़ा हो गया किसी बात पे, लवीना मेरे पापा की शर्ट वापस करो। तो घर से जब कॉस्ट्यूम अरेंज किए जाते हैं तो उसका ये बड़ा प्रॉब्लम होता था कि झगड़ा नहीं करना है, जिसकी कॉस्ट्यूम यूज कर रहे हो उसे प्यार मोहब्बत से चलो शो तक। और बाद में मनोज ने जब उसको वापस की तो उसने कहा उसको धुलवा के दो, फिर आगे धुलवा के लाया उसको प्रेस करा के फिर ढंग से दी थी। तो तब ये जो झगड़े और ये प्यार मोहब्बत और जो एक दूसरे से लेना देना था ये इतना खूबसूरत था कि अभी कोई बात मैं कहूंगी कि फिर संभव नहीं है। उसमें कुछ तथ्य आपके साथ फिर शेयर करना चाहूंगा, अपने नाटक तो किए ही जो अपने ग्रुप की प्रस्तुतियां, इसके अलावा हम लोगों ने 2 साल दिल्ली में अभिनय कार्यशाला चलाई, साल में 200 दिन तक 2 बार वो कोर्स चला, मनोज वाजपेयी विजय कुमार आशीष विद्यार्थी ये तीनों उस 200 दिन वाले कोर्स की उपज हैं। और गणित ये था कि चूंकि सब फ्रीलांसर थे तो लगभग 20 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के और इधर उधर के लोग आ जाते थे, या जिनको एनएसडी में एडमिशन लेना होता था कि चलो इनके साथ काम कर लो, तो वो 100 रुपया महीना हम लोगों को फीस देते थे, तो 20 स्टूडेंट जो 2000 रुपया मिलता था, तो जो एक महीने के लिए प्रशिक्षक आता था उसी को दे दिया जाता था। श्री वल्लभ व्यास ने किया और उसके बाद अखिलेश खन्ना ने किया, मैंने भी एक महीना किया, उसके बाद मालती ने किया, और बादल सरकार को भी हम इसी वजह से बुला पाए कि उनके आने जाने का और उनके रहने की व्यवस्था यहाँ सुदीप चक्रवर्ती के यहाँ कर दिया गया श्री राम सेंटर के सामने, और फर्स्ट क्लास से आना जाना और 1000 रुपया 10 दिन का उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस मामले में मैं शायद कोई और थिएटर का ऐसा बंदा दिखाई नहीं पड़ा जो पैसे को बिल्कुल मतलब कोई बात ना देता हो, तो बादल सरकार वॉज वन ऑफ देम। फिर क्या था कि हम सब लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, अगर हम लोगों ने जितनी भी प्रस्तुति की है उसका ट्रांसलेशन होना है, उसका रूपांतरण होना है, तो हम लोगों ने खुद वो सारे काम किए। जैसे ये आदमी ये चूहे मैंने और वीरेंद्र सक्सेना ने मिलकर किया, एक इंस्पेक्टर से मुलाकात सुरेंद्र शर्मा और प्रतिमा शर्मा ने किया, उसके बाद जायज हत्यारे सुरेश भारद्वाज और दीपा शाही ने उसको रूपांतरित किया, उसके बाद अवेक एंड सिंह सुरेंद्र शर्मा प्रतिमा शर्मा ने, उसके बाद ऑड कपल खूब मिलाई जोड़ी के नाम से तो अमिताभ श्रीवास्तव ने उसको रूपांतरित किया, उसके बाद लाइटिंग डिजाइन के लिए किसी को बाहर से नहीं बुलाना है, सभी लोग ट्रेंड हैं, कोई भी कर सकता है। और गिरधारी का मेंबर वगैरह संभव का कौन गिरधारी जो है हाँ, गिरधारी मेंबर संभव का तो वो तो जैसे कीर्ति जो अभी सामने। अच्छा तुम लोगों के यहाँ डायरेक्शन तो मेंबरशिप क्या है, मैं तभी कर पाऊंगी, मैंने कहा 350 दूसरे भी दूसरे दिन 350 रुपए दे दी, मैंने कहा करो तुम भी एक नाटक, तो नट सम्राट हुआ, उसका पूरा डिजाइन सुरेश भारद्वाज ने, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे, तो एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप डेडिकेटेड ग्रुप, पैसा नहीं मिल रहा है कोई चिंता नहीं, लेकिन जब मिला तो खूब मिला। और मैं तो मजाक मजाक में कहता हूं हम लोगों की एक प्रस्तुति खाना बदोश जो इधर के वर्षों में, अभी हम पुराने दौर में हैं, फिर मैं मतलब आपको जैसे 3 आर्ट्स क्लब का भी 2008 के बाद का एक दौर पर बात हो रही थी, तो हमारा भी एक नया दौर 2000 के बाद शुरू होता है, तो उसका एक आखिरी फेज था
93 में खाना बदोश एक प्रस्तुति हमने किया, हेमा सिंह और वागीश दो ही पात्र थे उसमें। एक्चुअली वो चार प्रस्तुतियां कहानियां ही कहानियां के बाद 93 में एक बार फिर मैंने कोशिश की तो 12-13 कहानियां की। उन दिनों स्कूल में एक बहुत अच्छी परंपरा कीर्ति के जमाने में शुरू हुई कि बाहर की प्रस्तुतियों को बुलाते थे और उनको एक मिनिमम फीस भी देते थे। वो मेरे लिए कई तरह से मतलब अच्छा साबित हुआ। तो हम लोगों ने चार प्रस्तुतियां की, तो उसमें स्कूल में चार इवनिंग मिल गई और शायद 6,000 रुपया या जो भी था हम लोगों को एक साथ एक मुश्त 24,000 रुपये मिल गए, सबको बांट दिए गए। और वो कहानियां देखने के बाद फिर बीइंग ए डायरेक्टर स्कूल की, तो मेरे हिस्से में आ गया कि अरे एक हर साल एक प्रस्तुति स्कूल में होनी चाहिए जो कि नाटक नहीं है उस पर काम होना चाहिए। तो फिर मैंने जम के 15 साल 94 से लेकर 2008 तक हर साल एक प्रस्तुति, पहले थर्ड ईयर के साथ फिर सेकंड ईयर के साथ, इस तरह से मैं समझता हूँ कि कथा कोलाज जो बाद में नसीर ने भी वही ले लिया, कथा कोलाज एक कथा कोलाज दो, तो 20 कथा कोलाज किए। तो ये भी संभव का एक ऑफशूट था। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल के साथ जुड़े और ये हुआ। तो खाना बदोश के बारे में बता रहा था, 93 में वो प्रोडक्शन हुआ, काफी ट्रेवल किया। तो मैं उसके बारे में एक मजाक करता था और अब भी करता हूँ, लोग हम आपके हैं कौन उस दौर में आई थी और पहली सक्सेसफुल फिल्म थी हिंदी की जो बहुत पैसा कमाया, करोड़ों में पैसा कमाया। तो हम कहते थे कि हमने उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। लोग हैरान हो जाते थे कैसे, क्योंकि उस प्रस्तुति पर हमारा एक पैसा नहीं खर्च हुआ। खाली मंच, जो भी कुछ वहां सामान मिलता था हॉल में, कोई सीढ़ी मिल गई, कोई मेज कुर्सी मिल गई और एक कप चाय कभी किसी ने पिला दिया आपस में रिहर्सल करते हुए। दो लोग हैं, पति पत्नी हैं और जब तक वो एक साथ है उनके शोज चलते रहेंगे। तो इस बहाने से आप सोचिए कि अगर हमें 1,00,000 रुपया भी प्राप्त हुआ उससे, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 गुना है। मुश्किल से अगर हमने 500 रुपए रोज धोकर उस पर हमारे लगे होंगे तो 1,00,000 रुपया उसके बदले में या 2,00,000 रुपया में, 1,00,000 तो भी कम ही बोल रहा हूं क्योंकि अब याद भी नहीं कि कितने थे क्योंकि इतने शोज किए। तो वही कहने का अर्थ है कि इसलिए नहीं कि पैसे नहीं है, पैसा है, लेकिन जैसा आज अशोक जी शाम को मजाक कर रहे थे कि आप खा नहीं रहे हैं, मैंने कहा बहुत सी चीजें सामने पड़ी हैं, तो आपकी परीक्षा ये भी होती है कि आप कितना कम से कम खाएं। तो सब कुछ है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी मैंने काम किया है, एज ए डायरेक्टर भी काम किया और एज ए प्ले डायरेक्टर भी किया, वहां तो सब कुछ है, कोई सीमा नहीं है। वहां भी मेरी प्रस्तुतियों में कभी कोई खर्च नहीं हुआ, मैं इसको कोई उस तरह से नहीं मानता, जरूरत ही नहीं पड़ रही। जब आप एक ऐसी विधा में काम कर रहे हैं जो नाटक ही नहीं है तो फिर खर्चे की क्या जरूरत है। ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, अरे सेट नहीं होगा, म्यूजिक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज धीरे 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 अब इनको उन चीजों की याद ही नहीं आती और कभी भूल से कोई चीज आ भी जाती है तो परेशानी हो जाती है कि उनको कैसे हैंडल करें। मुझे याद है कि प्रोडक्शन मीटिंग होता था हमारे यहाँ, तो गुरुजी अमरजीत वहां बैठे क्योंकि सारा सेट का काम उनको देखना है, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लोग आते थे और जो भी आते थे जो टेक्निकल लोग हैं। तो कहानियों का प्रस्तुति है, मैं उसमें कहता था मुझे कुछ बजट नहीं चाहिए, तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बजट नहीं है तो उनका बजट कहां से होगा, मतलब ये सारे का सारा गेम ये भी है। तो ये भी सच्चाई है, लेकिन स्टूडेंट्स ने सीखा। तो मैं सोचता हूं कि संभव ने ही ये मौका दिया है
और शायद संभव के बनने का मतलब जैसे एक पृष्ठभूमि ये भी थी उस दौर में व्यक्तिगत जीवन में मैं एक बहुत दुखद प्रसंग से गुजर रहा था 83 में। एक मेरा बहुत लंबा प्रेम प्रसंग कह सकते हैं वो समाप्त हो गया था, तो वो भी एक अपने आप को कहीं टेस्ट करना था कि आप पीछे नहीं छूट रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इतना जम के काम किया कि वो सारी चीजें पीछे छूट गईं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और उसमें इन सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, और फिर जिसे कहते हैं कि एक हार्ड कोर होता था, मतलब एक 12 लोग 25 लोगों में से 12 लोगों का एक हार्ड कोर है, सारे मतलब बैठ के उसमें डिस्कशन होगा, और इतनी ओपननेस मुझे नहीं लगता कि कहीं देखने को मिली कि चीर फाड़ करना है प्रस्तुति का तो सामने बैठ के कीजिए, आप पीछे बैठ के नहीं करेंगे। ये भी एक हम लोगों ने इस तरह की कल्चर को डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि सारी अच्छी बातों के साथ साथ बहुत सी मतलब खराब चीजें आती हैं और आनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा तो होना नहीं चाहिए, तो ये संभव में भी हुआ। और इसी की वजह से धीरे 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 वो लोग चले भी गए, खैर उसका मतलब ये कारण नहीं था, लेकिन फिर दोबारा से एक रिवाइव किया। उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि चूंकि अब नई पीढ़ी भी आ गई है, यहाँ भी बहुत से लोग बैठे हैं जो दूसरे दौर में हमारे साथ जुड़े, वो भी लोग शेयर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो 2000 से लेकर 2018 तक का जो इतिहास है, और टू बी स्पेसिफिक संक्रमण की प्रस्तुति से वो शुरू होता है, 2003 या 2004 में हमने किया था, उसमें अमिताभ थे, सुशील बौठियाल और अमिताभ गाता। कामतानाथ की एक बहुत अच्छी कहानी है, बाद में नसीर के साथ तुमने भी किया सीमा उसमें, तो हम लोगों ने कहानी है इस कहानी किया और जगह जगह उसके शोज किए। फिर वहां से जो सिलसिला चल निकला तो वो आज तक चल रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड नटवर प्रतिष्ठान ने यहाँ लगा रखा है, और मेरे लिए भी वो सारी चीजें देखना और उनको रिवाइव करना, अपनी ही फोटो नहीं पहचान में आ रही थी तो एक बहुत ही मतलब दाढ़ी के साथ, तो अच्छा लगता है इस बहाने इतिहास को जीना और सारी चीजों को याद करना। लेकिन पहली हवाई यात्रा भी संभव के थ्रू ही हुई थी, वो प्ले हम माधे अधूरे कानपुर IIT में लेके गए थे, और हम लोग की उन दिनों शूटिंग बहुत रेगुलर चल रही थी और बिल्कुल मैं जा नहीं पा रही थी, तो उन्होंने अंकुश ने कहा कि नहीं शो तो करना ही है तो हम तुम्हारी प्लेन की टिकट ले देंगे, और मैंने उससे पहले कभी प्लेन में बैठी नहीं थी, तो मैं इतनी खुश भी थी और नर्वस भी थी, और ये पूरा ग्रुप जा चुका था, मुझे अकेले जाना था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगी, तो इतना अच्छा लगा था। इन लोगों ने पेपर पे मुझे ड्रॉ किया था, देख मेन गेट से मुझे ऐसे टर्न करेगी, सामने वाली जगह में जाएगी, वहां टिकट देना, वो स्टैंप बोर्डिंग पास देंगे, वहां से टर्न कर दिया, मैंने कहा कि इधर टर्न करेगी फिर ये जाएगा वहां टर्न कर, तो मेरे पास पेपर पे चार पेपर में पूरा ड्रॉन मैप था जिसको मैं लेके एयरपोर्ट में घुसी थी, अच्छा काम बताया था। फिर इवन मतलब वीरेंद्र सक्सेना ने तो मुझे वो जो बेल्ट जो लगाते हैं उसका भी ड्रॉ किया था, ये देख ऐसे से होगा एक ऐसे में सुन क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त लोगों के लिए मैं एक स्टार हो गई थी, टेलीविजन की स्टार हो गई थी, उन्होंने क्या बताया मैं पहली बार हॉल जाऊं, तो मैंने कहा देखो इंसल्ट नहीं होनी चाहिए मेरी, वो मेरे से ऑटोग्राफ ले लोगे, मैं पूछूंगी ये कैसे लगाते हैं, बेचारों ने पूरा मुझे ड्रॉ करके बेची होगी, और मैं उनसे हेलो हेलो करते हुए चार देख दे दिए, चलिए हंसी यहाँ कर ले रहे हैं यहाँ से, और जब मैं पहुंची हूँ कानपुर मेरा ऐसा वेलकम था संभव में, जितने लोग सब गए थे सब ऐसे कर रहे थे आ गई ठीक से आ गई वेरी गुड, तो वो भी मैं कभी नहीं भूल सकती कि मेरी पहली विमान यात्रा जो है वो संभव ने कराई थी। एक्चुअली कानपुर से याद आया, दो संस्थाओं ने हमारी बहुत मदद की है, मदद क्या मतलब एक सहयोग बन गया, एक तो IIT कानपुर, उनके यहाँ साल में एक एनुअल फेस्टिवल होता था, और उनके स्टूडेंट्स जो भी ड्रामा के इंचार्ज होते थे कि आपको हम लोगों को चलना है, तो रात को यहाँ से प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठते थे,
और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो कानपुर उतारती थी 3-4 बजे के आसपास, जाते ही उनके हॉस्टल में सो जाते थे, फिर सोते उठे, ब्रेकफास्ट किया, उनके हॉल में रिहर्सल करने पहुंच गए, एंड दे वर ऑल इंजीनियर्स, लाइटिंग वाइटिंग सब करना जानते हैं, सारी तैयारियां, शाम को शो हुआ, फिर वही प्रयागराज एक्सप्रेस वहां से पकड़ा। तो एक दिन में आप शो करके, और खूब अच्छे पैसे देते थे वो, मैं समझता हूँ कि 84-85 में 5,000 रुपया वो स्पॉन्सरशिप का देते थे। हमारी सारी प्रस्तुतियां वहां, ये आदमी ये चूहे अनारो खामोश अदालत जारी है, और भी इस वक्त ध्यान नहीं आ रही। और दूसरी संस्था सहयोग से मंजर थिएटर शुरू हो गया वहां पर प्रगति मैदान में, 84 में ही शायद शुरू हुआ था, और मैं समझता हूं कि 3 शो का वो 10,000 रुपया उस उन दिनों में देते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे को, पहला शो 5,000 रुपया, फिर 2,500, फिर 2,500। एंड एक दो साल के अंदर 7-8 प्रोडक्शंस हमारी वहां पर मंचित हुई, तो वहां एक अलग तरह की ऑडियंस होती थी और एक अलग तरह का थ्रिल, एक नई स्पेस। तो ये दो संस्थाओं ने इनडायरेक्टली, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें कभी उस तरह की समस्या पैसे को लेकर नहीं आई, कहीं ना कहीं से कोई आ जाता था और समस्या सॉर्ट आउट हो जाती थी। तो ये पर जैसे कि मुझे लगता है थिएटर का भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी, क्योंकि बहुत छोटे एज से मैं आ गई, 6 साल की थी तब से आ गई, तो मुझे ये साल 50 साल पूरे हो जाएंगे, देखने में इतनी बड़ी नहीं हूं मैं, पर फिर भी इस जगह काम करते हुए 50 साल हो गए मुझे। पर मैं ये जानती हूँ कि ये जो थिएटर की कहानी हमने पहले भी सुनी, 3 आर्ट्स की भी सुनी, अपनी संभव की सुनी है, आगे भी मैं जानती हूँ जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनकी भी बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जो कितनी मुश्किल से 5,000-10,000 कभी बिना पैसे के काम करते करते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो क्वालिटी थी, जिस तरह का काम होता था थिएटर का, जो आज भी यादें बना हुआ है, आज भी हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चीजें खत्म होती जा रही हैं, और आज पैसा है, जैसा नहीं आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है, आपको काफी सारी सुविधाएं मिल जाती है जो पहले नहीं होती थी, तो अब काम खत्म हो गया है, सुविधाएं बढ़ गई हैं बस, तो ऐसा ही सेम फिल्मों का हो गया, ऐसे सेम टेलीविजन का हो गया, क्यों हो गया? मैं वही बताने जा रही हूँ आपको कि रीजन मैं जो समझी हूँ अपनी उम्र के हिसाब से, कि मुझे ऐसा लगता है इंटेंशन की कमी हो गई है। इंटेंशन आपका, आप किस वजह से काम कर रहे हैं वो शायद वजह गलत हो गई है, क्योंकि अभी फोकस कहीं और चला गया है। और मैंने तो तीनों माध्यम से काम किया है, थिएटर भी किया है, टेलीविजन भी बहुत किया है, फिल्में भी अभी काफी कर रही हूँ, तो मैं ये समझ पा रही हूँ, मुझे तो यही समझ में आया कि पहले के लोग बहुत अच्छी इंटेंशन होती थी उनकी, काम करने का एक मकसद होता था उनका, अभी सिर्फ पैसा कमाना, पैसे का क्या होना है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसे की बात करते हैं। और अभी मैं सुन रही हूँ तो इन कहानियों में पैसा तो है ही नहीं कहीं, इन कहानियों में सब में ये कि पैसा नहीं था पर हमने ये काम किया, तो एक जज्बा था काम करने का, पर वो जज्बा खत्म हो गया है, बस अभी यह है कि मुझे कितने पैसे दे रहे हो, मेरा फलाना भी हो जाए काम, मैं तीसरा काम भी कर लूं, मैं चौथा काम भी कर लूं, उससे भी कमा लूं, इससे भी कमा लूं और आपका काम भी कर लूं, तो इंटेंशन बिल्कुल जीरो हो गई है, तो बहुत बड़ा सफर कर लिया जी। उस वक्त जो थी कमिटमेंट, सिंसियरिटी और हार्ड वर्क जी। पैसा उस वक्त दिया, पैसा अभी नहीं है, कई ऐसे लोग अभी थिएटर में जो करना चाहते हैं, हाँ वो अलग बात है, वो थिएटर से टीवी से फिल्मों में जी वो है, लेकिन उसके जमाने में मुझे पता है कमिटमेंट, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। अंकुर जी ने हमारे साथ प्ले किया, सुबह 7:30 बजे घर से निकलना, खाना अपना बना के लेके आना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, बस से बैठ के आना लाउंज के अंदर अपना बोलना जी, वो कमिटमेंट अब जो है नहीं है। हमें इंटेंशन बोल रही हूँ, आप कमिटमेंट बोल रहे हैं, मेरा कोई बात नहीं है, हम किस मकसद से काम करते थे वो मकसद हमें क्लियर था कि हम क्यों आ रहे हैं, बिना पैसों के काम के लिए भी क्यों आ रहे हैं सर, रंगमंच कर रहे हैं अब जो है जी, रंगमंच से टीवी से फिल्म रास्ते खुल गए हैं। और अभी क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि थिएटर में अगर आपको कहीं पर शो मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, कहीं पर भी कुछ हो रहा है, वो आपसे कास्ट नहीं पूछते थे कि कौन कौन लोग हैं इसमें, आपका नाटक क्या है, नाटक किस पे आधारित है, नाटक की कहानी क्या है, और आपका ग्रुप क्या क्या काम कर चुका है, शायद इतनी इंक्वायरी होती थी। पर अभी सबसे पहले जो पूछा जाता है इसमें कौन है, कोई फेमस फेस है, तो ये क्या हुआ, ये थिएटर काम हुआ
अभी जितने शोज हैं, जिन जिन प्लेस में बड़ी बड़ी कास्ट है उनके शोज धड़ाधड़ होते हैं। अब जैसे मेरा ही अपना ग्रुप है कोपल थिएटर, उसमें मैंने जो प्ले किया है जिसमें नसीर सर है, मैं हूँ, मनोज है, उसके हम धड़ाधड़ शोज करते हैं ऑल ओवर इंडिया के, बाहर भी हम लोग जा रहे हैं। पर जो प्ले हमारे बच्चों ने तैयार किए हैं, उसमें सारे यंगस्टर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं, इतने अच्छे नाटक हैं, लेकिन उनको कोई नहीं बुलाता। मतलब वो छूटे नहीं रही, अच्छा आप ऐसा कीजिए ना शिवाजी, उसमें एंट्री ले लीजिएगा। अरे क्यों ले लूं मैं एंट्री, नाटक उसका मैं एंट्री क्यों ले लूं? अच्छा तो ऐसा कीजिएगा मनोज जी से अनाउंसमेंट कर दें शुरू में आके, क्योंकि उनको नाटक से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें फेस बेचने हैं। तो अभी तो थिएटर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे याद आया सीमा जी, जब मैं बॉम्बे में था फोन किया, पृथ्वी थिएटर में आपका प्ले था जी, पार्सल प्रिंटर जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइनें लगी हुई है भाई, वो सीरियल शाह का प्ले है, वो डायरेक्ट कर रहा है, मुझे इतने हमला कोई पड़ती है, मैं लाइन में सुन रहा हूँ। हाँ। वो है रोज है वो ऐड में आता है ना, 1 PM की ऐड, वो है पूरे बाहर तक लाइनें लगी। नहीं बहुत दुखद है, इसलिए कह रही हूँ कि अभी क्योंकि मैं ताजा इतना फेस कर रही हूँ इस चीज को, कि मुझे लगा ये क्या हो गया, ये तो कभी हमारे थिएटर का हाल नहीं था। लेकिन अभी वो भी स्टार्स ने, अभी पिछले दिनों हम आए हुए थे भाईगम में प्ले करने के लिए, और अनुपम जी अपना एक प्ले लेके आए हुए थे, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो मतलब थोड़ा सा मुझे दुख हुआ उस नाटक को देख के कि मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही था वो नाटक, बड़ा जेन्युइन सा नाम था उसका कि कुछ भी हो सकता है, आप आइए और देख के चले जाएंगे। तो धीरे धीरे अफसोस बढ़ रहा है कि नाटक को जिंदा रखना अब ज्यादा मुश्किल हो गया, पहले फिर आसान था, जब पैसे नहीं थे तो आसान था, अब सब कुछ है तो आसान नहीं है। होता है उसका किस्सा, मैं बॉम्बे था कि अगले साल बांद्रा में प्ले था, बड़ा ऑडिटोरियम, बड़ा 2500 रुपए की टिकट जी, 5000 की टिकट, और बड़ी बड़ी हस्ते अनुपम खेर, अपना क्या नाम गुप्ता जी, और राकेश वेदी, ये 3 एक्टर थे। अकेले स्क्रीन पे फिल्म दिखाते थे, वह करते थे। उनका दूसरे नाटक का नाम भी यही है, मेरा वो मतलब नहीं था। तो काफी सेफ गेम है, नाम ही ऐसे रख लो कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वो काम करा दिया। मैं आप जाइए देख रहे, मैंने कहा मेरे को साथी हो तो महेश बादल को पकड़ा, जो आपको भी कर चुका है, मैंने कहा 2500 रुपए टिकट मैं नहीं कर चुका। कहते अच्छा मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, अनुराग ने कहा बेटे ने, पता लगा वो उसके साथ मेरा बेटा कई शूटिंग कर चुके उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्होंने मेरे डैडी दिल्ली से आए, उनके एक साथ है, 2 कंप्लीमेंट्री चाहिए। 2500 रुपए अगर उस वक्त पे, 25 भी नहीं कह रही मैं, तो 5 और 10 में हम लोग करते थे, अगर 50 रुपए भी कोई लेगा तो हम ऐसे पागल हो जाते थे। पर अभी 2500 की तो वैल्यू नहीं है, 5000 2500 उसका क्या मतलब है, इतना पैसा अगर थिएटर को मिल रहा है तो फिर थिएटर होना चाहिए ना। और दुख की बात यही है कि बहुत थिएटर तो मैं भी कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ और काफी मेहनत कर रहे हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि किस तरफ जा रहा है धीरे धीरे, उसका मतलब अफसोस है मुझे, क्योंकि मैं इतने साल एक्चुअल थिएटर कर चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये जो रास्ता है ये गलत जा रहा है। कि जी जी थिएटर की दुर्दशा पर उसके बारे में तो अमिताभ जी बता सकते हैं, क्योंकि नहीं बताने में तो आप माहिर हैं गुरुजी, मैं क्या बता पाऊंगा जैसे आप बताते हैं। नहीं उसमें तो खैर ये कि जो बात कही है गुरुजी ने संक्रमण की, मुझे अभी तक याद है, पता नहीं हम लोग को वही संभव के साथ ये कह रहा है कि शो मिल गया है, उसके बाद तैयारियां उसकी शुरू हुई है। तो जैसे कि शायद चंडीगढ़ में एक शो तय हो गया था कि करना है, अंकुर जी कहीं बाहर गए थे, तब डायरेक्टर थे एनएसजी के, कहीं विदेश गए थे, वहां से उनका फोन आया, कह सुनो वो चंडीगढ़ में सारे को एक शो करना है, तो ये कहानी है कांतारात की संक्रमण, ये सारिका के नहीं साहित्य वार्षिकी, साहित्य वार्षिकी में छपी दिन बाद मिल जाएगी, इसको निकाल दो और तुम हो जाओ अमिताभ और सुशील पाठक को ले लो, अशोक में आके फिर मैं आता हूँ हफ्ते भर बाद। तो उन्होंने कहानी दी, तो क्या कहानी में कास्टिंग बड़ी आसान थी, उसमें पिता है एक माँ है और एक बेटा है, तो 3 करेक्टर्स थे, डायलॉग कुछ है लंबे लंबे सोलमुखी टाइप के हैं, शुरू कर दिए रिहर्सल, और पहला शो चंडीगढ़ में था, सुरेश हमने कहानी और बड़ी थी मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद्य की, जो कि सुरेश भारद्वाज अभिनय कर रहे थे उसमें, और अमिताभ दादा दोनों कहानियों में
थी, तो म्यूजिक होता नहीं था जैसा था गुरु जी ने, तब उस जमाने में तो होता है। तो खैर बाकी पांच लोगों की टीम है, तो पहली कहानी में सुरेश नहीं है क्योंकि, तो वो लाइटिंग कर लेगा पहली कहानी की, और दूसरी कहानी में जो है अमिता की सिर्फ एक एंट्री है, तो वो जा करके उसके बाद वो लाइटिंग अपना संभाल लेगी दूसरी कहानी का। तो मुझे अभी तक अच्छे से याद है कि हम लोग चंडीगढ़ सुबह यहाँ से निकले, एक गाड़ी लेनी थी, वहां पहुंचे करीब 11:30 बजे, अपना गए हॉल में एक रिहर्सल की, वापस आए खाना ना खाया सो गए। मतलब उसे क्या चाहिए, हमने कहा हमको एक टेबल और एक दो कुर्सी चाहिए। उसके पहले पता नहीं किसका शो था, बोले कि अरे साहब आपका बस नहीं, उनका इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा सेक्टर में हमारे ही से। शाम को शो किया था कि उसी गाड़ी से हम लोग रात को भी उसके पैसे दोनों लग जाएंगे गाड़ी के, तो था कि उसी गाड़ी से वापस आ जाएंगे। तो मुझे अच्छे से आता कि जब वो पैसा, हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा संक्रमण का। और जब वो शो खत्म हुआ तो लोग तो हम लोग को बधाइयां दे रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं उसको ड्राइवर ढूंढो कहां पर है, वापस निकलना है जल्दी। तो अभी तक कमल तिवारी कई बार कहते हैं, कह रहे यार तुम लोग तो आए हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व था ऑर्गेनाइज करने में, आए और इतना अच्छा कमाल का शो करके यूं आए यूं चले गए, ऐसा कैसे कर लिया तुम लोगों ने। हमने कहा तो हमको पता नहीं कैसे कर लिया, बस हो गया। लेकिन उसके बाद जो देखा कि इतना अच्छा हुआ ऐसा, सिर्फ क्योंकि पांच लोगों की टीम थी, तो उसका कहीं भी जाना पता नहीं, उसके अंदर बहुत शो करने शुरू किए। और होता भी जब शो करने शुरू हुए कुछ और का नया किया जाए, तो उसके बाद फिर एक के बाद एक कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें कट गुलाब की अंकुर जी ने कहानी, से बहुत सारी महिलाएं थी, पुरुषों की पूरी सूची बाहर लगी हुई है। और कुछ ऐसे कि जमाने में आईआईटी कानपुर और मंजर थिएटर हम लोगों के होते थे कि जब लोग हमेशा शो कराते थे हमसे, ऐसे ही कुछ लोग हो गए। जैसे एक संजय सहारे हैं गया में, उनके यहाँ हर साल जैसे कि हमको जाकर के एक परफॉर्मेंस करना ही करना है, तो कई बार आपको इसलिए क्या करना पड़ता है कि जाके वहां पर शो करना है, भाई संजय सहारे के यहाँ। ऐसे ही एक चंडीगढ़ में है सुदेश शर्मा का ग्रुप है TFT, उसका भी है कि हर साल हम लोगों का उनको एक परफॉर्मेंस वहां पे करना ही करना है। फिर अभी जैसे कहानी उन्होंने तैयार की गरीब नवाज संतोष चौबे की कहानी, उनका कुछ 60वां जन्मदिन था तो उन्होंने स्पॉन्सर किया, वही प्रोडक्शन बनी दी कॉज दी कि आप करिए। अब तैयार इसके लिए कि उन्होंने भी 4-5 शो करा लिया, अब तक भोपाल में वादा करते हैं कि इसको मैं अभी और जगह घुमाऊंगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन अब उसके शो मिलते रहते हैं, वो कहते हैं साहब वो गरीब नवाज का शो आपने बहुत सा किया था, हमारे यहाँ आके कर दीजिए। अच्छा हमको भी लगता है कि भाई 2-3-4 लोग आते हैं, कुछ उनकी डिमांड नहीं होती कि हमको ये सेट चाहिए वो, बस एक कुर्सी दो कुर्सी एक मेज एक चारपाई ऐसी चीज जो है, लेकिन हम लगे ना बिटकरी और रंग चोखा है, कभी कभी रंग चोखा नहीं भी आता है, पीला हो जाता है। लेकिन वो सिलसिला चल रहा। एक बात जो मैं पिछले दौर की शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत कम लोग यहाँ पे नए बैठे हुए हैं, कि जैसा बताया अंकुर जी ने कि श्रीराम शंकर हम लोग का हर महीने का डेट्स बुक होती थी, ऐसे ही दिशांतर द्वारा रिवाइव हुआ था एक रुका हुआ फैसला नाटक से, उसके लिए भी अक्सर जो है श्रीराम शंकर बुक होता था, प्रयोग के लिए बुक होता था, इफ्टा के लिए। तो हम लोग अच्छा सब लोग कॉमन थे काम करने में, सब दोस्त थे, कोई ये नहीं था कि रंजिशें हो आपस में। तो ताकि जैसे हमारा शो चल रहा है तो हम दूसरे का शो अनाउंस करेंगे कि भाई देखिए हमारा शो भी है, अगले शो इसी हॉल में इस ग्रुप का ये नाटक होने वाला है, तो ऑडियंस पे पब्लिसिटी का माध्यम बना था और सब लोग हेल्प करते थे एक दूसरे की। यहाँ तक ये था कि हम लोगों का हॉल बुक था संभव का और सत्यव्रत राउत कोई प्ले कर रहा था, तो उसने कहा कि भाई आपका तो स्टेज खाली है, कोई सेटमेंट नहीं है, तो आपका जब शाम को शो होगा तो दिन में मैं कर लिया करूँ रिहर्सल 2 बजे से वहां क्योंकि मेरा शो है उसके बाद, तो उसको ले दिया गया। तो वो अपना घर का रिहर्सल सो में जाकर के चलो, तो अपने पास हॉल तो है एसी चल रहा है अच्छा, तो श्रीराम चंद्र कैंटीन में खाना खाया, उसके बाद जाकर के अंदर एसी में ग्रीन रूम में गद्दे गद्दी वहां थी उसकी डाल के सो गए। मतलब दोपहर को एक ठिकाना बन गया था सबके सोने का। और हमारा ये भी शुरुआत हुई थी जब कहानियां कहानियां, जैसे अमिताभ ने बताया कि वो जो कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो अब स्पेस की कमी थी, तो ये इनका जो घर था E64 कॉलेज लेन वो एक बहुत बड़ा अड्डा था,
तो वहां सुबह सुबह सब पहुंच जाते थे और कहानियां पढ़ी जाती थी और उसमें ये टेंशन होती थी कि खाना कहाँ खाएंगे क्योंकि सब लोग सुबह सुबह हैं आ गए हैं, तो ये होता था कि कुछ नहीं कुछ मटर की तारी वगैरह बना देंगे, तो दरअसल कहानी पढ़ते पढ़ते मटर छीली जा रही या सब्जी काटी जा रही है और बाहर एक लगा के चलो इसमें चौंक देते हैं, खाना भी सब यही खा लेंगे क्योंकि रोज रोज नाथू जाके खाना खाना या शिला चंद्र कैंटीन खाना कैसे नहीं होते थे किसी के पास, तो या फिर मैगी खा लेते थे या फिर कुछ भी ऐसा बना के, लेकिन E64 के लॉन में हमने काफी रेसेंस की है, काफी रीडिंग की है। जो आजकल संभव से जुड़ी हुई है भूपेश पांड्या वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ उन लोगों के अनुभव भी कंटिन्यू पुराने दौर के बैठे हुए हैं यहाँ पर। गौरी पिछले 8-9 साल से हमारे साथ काम कर रही है, गौरी यहाँ बैठ सकती हूँ, चलो नमस्ते, मैं गौरी संभोग के सेकेंड इनिंग की 2011 से मैं अंकुर जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारा वैसे ही टैगोर की 100 बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था, तो तब सबको टैगोर का मिला था, दिस टैगोर टैगोर टैगोर, तो अंकुर जी ने भी टैगोर की कहानियां की थी जिसमें कहानी की थी समाप्ति, और वो पहला काम, हालांकि हमारे साथ भी कहानी का मंचन स्कूल में भी हो चुका था, उसके बाद 2-3 साल हम इधर उधर स्ट्रगल कर रहे, अचानक से अंकुर जी का फोन आया कि अरे वो उसमें जया बच्चन ने एक रोल किया था और तुम कर लो, तो मेरे लिए काफी मजेदार था। उसके बाद तो फिर 2018 तक अंकुर जी के साथ 7-8 प्रोडक्शन कर चुकी हूँ। मेरा अनुभव सबसे अच्छा किसी एक्ट्रेस के जो एक बीच का दौर आता है कि आप आपकी शादी हो जाती है, आप माँ बनते हो, फिर आप कम बैक करते हो, तो ये जो स्ट्रगल होता है कभी, तो वो संभव के साथ मेरे लिए काफी मजेदार रहा कि समाप्ति के 2-3 शो के बाद शादी हुई, हाथ में वो सब चूड़ा उड़ा था, मंगलसूत्र था, और अचानक से सर ने बोला 27 को शादी है, 12 तारीख को शो है, तो हमारे घर में बोलते कि सवा महीना मंगलसूत्र नहीं उतरेगा, अब मैं अंकुर जी को बोल रही हूँ सर मंगलसूत्र का क्या करूं, और दुर्गा देवी थी तो वो तो माँ का रोल कर रही थी, वो विधवा थी प्ले में, और उनकी भी शादी हुई थी मेरे 10 दिन पहले अमृतसर गए शो कर रहे, और वो भी बोल रही यार मैं मंगलसूत्र नहीं उतरा रही हूँ, मैं बोला मुझे भी बोला हुआ है, मैं देखती हूँ सर से पूछ के, सर ने बोला ठीक है संभव का ग्रुप है चलेगा, डालो डालो मंगलसूत्र डालो शो करो बस, तो हमने छुपा छुपा के शो किया। उसके बाद फिर ओवर द ईयर मेरा बेबी होने वाला था, तो मुझे लगा बस अब तो करियर खत्म, अब मुझे सब बाय बाय बोल देंगे, अब मैं क्या करूं, और उस टाइम श्रीलाल शुक्ल की कहानियां थी, उसके बाद सर वो किन थी हमें राजीव सेठ की कहानियां चल रही थी, और उस कहानी में मेरा ये था कि मेरी नई नई शादी हुई है, सुहागरात का सीन है और वो घर उसी के ऊपर कहानी है, और मैं प्रेग्नेंट थी, कहानी का शो लगा हुआ है भोपाल में, और 7 मंथ में कहानी बहुत 4 मंथ जब था तो तब मैंने हाँ बोल दिया कि कर देंगे, जब 7 मंथ में शो है अब मैं क्या करूं सर, कोई बात नहीं संभव में चल जाएगा सेवन मंथ में बिफोर डिलीवरी मैंने लास्ट शो संभव के साथ किया, बेबी हुआ 2 मंथ के बाद फिर सर का फोन आया कि अरे आधी सदी रिवाइव करना है, तुम्हारे चक्कर में बंद था, चलोगी शो करने भोपाल, चलेंगे सर, तो मेरा कमबैक भी संभव के साथ फिर से हो गया। तो संभव के साथ ये मेरा रहा कि मैं किसी ने मुझे ये नहीं देखा कि भाई 1-1.5 साल आउट है एक्टिंग से या एक्टिंग से, और मुझे भी वो बाकी एक्ट्रेसेस को होता है कि थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि अब कमबैक कैसे करें, तो सर के साथ जुड़ के या संभव के साथ जुड़ के मेरा वो जर्नी अच्छा रहा कि मुझे 2-3 साल का गैप नहीं लेना पड़ा, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल टू सर एंड संभव टीम आल्सो, और एक मुझे लगता है ये अनुभव शेयर करने लायक था। भूपेश जी कुछ कहना है आपको?
दुर्गेश जी कहाँ है कि चले गए? सर एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। मैं बहुत ज्यादा कहना चाहूंगा। हाँ सर, कम समय में ज्यादा बात। दिल्ली के किसी ग्रुप के बारे में अगर मैंने दिल्ली आने से पहले सुना था तो सिर्फ ये ग्रुप था संभव, जिसको मैंने मैगजीन में, न्यूज़पेपर में इनकी प्रस्तुतियों के बारे में पढ़ता रहता था। जब मैं उन्नाव में थिएटर कर रहा था, उन्नाव एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश में, मैं वहीं से हूँ। तो एनएसजी आने से पहले हमारे गुरु जी श्री विजय पंडित जी, उन्होंने हम लोग के सामने एक बात रखी कि नाटक हम लोग चूंकि करते थे तो सर का एक आर्टिकल निकला था रंगमंच के 100 वर्ष करके, एक विशेषांक करके किताब निकली थी, किसने छापा तो मुझे अभी याद नहीं है। वर्तमान साहित्य, हाँ, तो वो ग्रीन कलर का उसका कवर पेज था, वो तक मुझे याद है अभी। तो उसमें सर का एक आर्टिकल निकला था कहानियों के रंगमंच को लेकर के। तो हमने पहली बार जाना था कहानी के रंगमंच होता कैसे है, कब शुरुआत हुई, किसने किया, क्या किया। तो लखनऊ में सर को एक बार हिंदी अकेडमी है वहां पे, तो सर से पहली बार मुलाकात वहां पे हुई थी और उसके बाद ये आर्टिकल सर का उस मैगजीन में पढ़ा था। तो हमारे गुरु जी ने हम सबके सामने ये ऑफर रखा कि क्यों ना इस बार हम लोग कहानियों का मंचन करें। तो पढ़ाई शुरू की गई कहानी का मंचन कैसे करना है और सर कैसे करते रहते हैं। तो ये सब सारी तैयारियां करने के बाद हम लोगों ने भी सर के तरीके से ही वो मंचन करने की कोशिश की। हालांकि हम लोगों ने उसमें सेट और कॉस्ट्यूम ये सब चीजें डाली, पर वो जो प्रोसेस था पूरा कहानी का रंगमंच करने का, वो प्रोसेस करने के बाद, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो सीखा, उससे कहानी का रंगमंच और ज्यादा करने की एक इच्छा, ललक और पैदा हुई। तो चलता रहा और हम लोगों ने कुछ, जैसे सर ने कथा कोलाज करके शुरू करते थे, तो उन्होंने कथा रंग नाम से शुरू किया था। तो कथा रंग एक, कथा रंग दो और कथा रंग तीन, तीन तक कर पाए। और उसके बाद फिर वही हुआ कि जैसे सभी ग्रुप में होता है कि कुछ लोग, किसी को नौकरी मिल गई तो वहां चला गया, कोई कहीं चला गया, तो ग्रुप हमारा धीरे धीरे टूट गया। सर भी हमारे जो थे वो मुंबई शिफ्ट हो गए और उसके बाद हम लोग भी भटक गए। तो फिर उसके बाद निकले, बहरहाल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जब मेरा 2006 में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद सेकेंड ईयर में सर के साथ काम करने का मौका मिला। तो सर के अंदर रह करके कहानी का रंगमंच हम लोगों ने किया और हमारा था पांचवा ड्राफ्ट नाम से। उन्होंने पांच कहानियां की थी, उसकी चार कहानियां की थी, पांचवा ड्राफ्ट ऐसे था कि पांचवी बार जाकर के वो फाइनल हुआ था। तो ये प्रोसेस मैं करते करते, तो मेरे अंदर बड़ी इच्छा थी कि मैं कहानी का रंगमंच में ज्यादा से ज्यादा जुड़ा रहूं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि एज एन एक्टर मैंने जो है कहानी का रंगमंच करके ज्यादा सीखा। मतलब एक एक्टर को ज्यादा स्पेस मिलता है कहानी का रंगमंच करने में, ज्यादा स्कोप मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर पास आउट होने के बाद 3-4 साल लगातार मैं कोशिश करता था कि मैं सर के साथ किसी तरह से सर के ग्रुप में जाकर के काम करूं, और 3-4 साल लगातार रिक्वेस्ट करते 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 फाइनली एक बार मुझे मौका मिला। और शायद वो 2012 या 2013 का ही समय था जब ये आधी सदी जब हुआ, तो चार कहानियों में फिर सर ने बुलाया और तब से संभव के साथ जुड़ा हूँ और यही यात्रा तब से अभी तक कर रहे हैं। और इस बार बहुत लंबे समय के बाद हम आधी सदी फिर से करने जा रहे हैं, वो चार कहानियां अभी ये थिएटर ओलंपिक 2018 होने जा रहा है उसमें। थैंक यू। तो समूह को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया और मैं इतने साल से एक अच्छी टीम के साथ जुड़ा हूँ और यहाँ पे भी वही पॉजिटिव एटमोसफियर है जो मैं 3 आस्ट्रॉ में जो मैंने महसूस किया, वो डिसिप्लिन, हम सबके बीच जो कोऑर्डिनेशन है, जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है कि सीनियर जूनियर जो भी हैं, ज्यादातर लोग एनएसजी के पास आउट लोग ही हैं, लेकिन वो जो आपस में जो ट्यूनिंग है और वो जो जो तालमेल है, उसकी वजह से हम कहानियां जिस तरह से कर जाते हैं। और वो आज भी होता है जो सर अभी चर्चा कर रहे थे कि शो लगा हुआ है, अब सब इकट्ठा हुए, ट्रेन में रेडी हुई और सीधे शो कर रहे हैं जाकर के। तो कभी कभी आज भी हो जाता है कि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं तो रिहर्सल के लिए नहीं मिल पाते हैं। तो क्या होता है कि सब एक दिन मिलते हैं, रीडिंग होती है, रिहर्सल होती है, फिर ट्रेन में रिहर्सल करते जाते हैं और अगले दिन शो करके आ जाते हैं। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है और मैं हमेशा जुड़ा रहना चाहूंगा संभव के साथ। थैंक यू सो मच। मैं सवाल है तो, लेकिन वो चाहते नहीं बोलना। जो हम चाहते थे वो दुर्गेश जी कह चुके।
मतलब अभिनय करने से ही इतना डर लगता था, पर अमिताभ ने इतना ढांढस बंधाया, मैंने कहा मुझे लाइन याद नहीं है, मतलब कोई बात नहीं आप मदद कर दें, आप चिंता मत करिए, तो किसी तरह उसमें जुड़े, पर कॉन्स्टेंटली डर लगता रहा। और उसमें फिर ये मवाना का शो जिसमें किसी को लाइन याद नहीं थी, सारे एक्टर्स थे और नहीं, वो तो था ज्ञान था जो वो करता था सुखात्मे का, पर वो भी वहाँ पे पता नहीं उसको क्या हो रहा था, किसी को कुछ याद था नहीं, रिहर्सल हुई नहीं थी, तो सडनली उसने बीच में मुझसे आके पूछा कि अच्छा आप क्या सवाल पूछूं, जैसे अपनी लाइनों से इतनी त्रस्त होती थी, तो उसकी लाइनें मैं कहाँ से बताती, मैं इतना घबरा गई और मैंने कहा मैं क्या बताऊं, वकील आपने आप मुझे अभी तक कोई याद है कि वो पूरा एटमोसफियर क्या था, कितने सारे लोग देखने के लिए और हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, सारे रास्ते जैसे टैक्सी में हम लाइन्स करते गए, वो टैक्सी जो बहुत ही हॉर्न बजा रही थी, हाँ, 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 उसका हॉर्न खराब हो गया था रास्ते में, तो बहुत परेशान हो गया वो ड्राइवर, जिसको गाड़ी नहीं चल पा रही थी, उसका हॉर्न खराब हो गया तो वो ड्राइव नहीं कर पा रहा था बिना उसके, मतलब ऑन द होल जब नक्श सम्राट भी किया था तो जिस तरह का सपोर्ट सबका मिलता था काम करने में, उससे बहुत मतलब अपनापन बहुत लगता था संभव में काम करने में, तो वाकई ये था कि जो भी नर्वसनेस है वो साथ में लोग हैं वो कुछ संभालने के लिए, दैट इज नाइस। कई बार मजा तब आता है कि हम जानते हैं कि हमारा शो बहुत खराब हुआ है, लेकिन लोग इतनी बधाई दे रहे होते हैं। भोपाल का एक शो मैं नहीं भूलूंगा, पहला तो मैंने बताया ही था, सत्य हरिश्चंद्र महानगर 3 संवाद, वो मैंने 1975 में लखनऊ में मेघदूत संस्था के साथ किया था और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद दिल्ली आ गए तो दिल्ली में उसको दोबारा से रिवाइव किया, अभिनेत्री वही थी अमिताभ उद्गाता, लेकिन इस बार उसमें अमिताभ आ गए, तब 3 पुरुष आते थे, 3 कहानियां थी, हर कहानी में पुरुष बदल जाता था क्योंकि एक संस्था के साथ कर रहे थे, वहां कई लोग अवेलेबल थे, यहां तब कोई संस्था नहीं थी, हम लोगों ने सोचा कि प्रस्तुति अच्छी बनी है इसको दिल्ली में कर लिया जाए, तो अमिताभ जी मिल गए, पास आउट हो गए थे, दोनों बैचमेट थे अमिताभ उद्गाता और अमिताभ श्रीवास्तव, तो हम लोगों ने उसको तैयार कर लिया। और उसका एक शो त्रिवेणी सभागार में, ये जो चैम्बर थिएटर है, क्लोज थिएटर, उसमें हम लोगों ने किया और उस वक्त उसकी कॉस्ट 1500 रुपए आई, सब लोगों ने मिलकर उसमें मतलब शेयर किया, वो बाद में अमिताभ सुनाएंगे कि वो फिर कैसे वापस आया। बहरहाल उसके शोज लगातार मिलते रहे, चलता रहा, वो यंग लोगों की कहानियां हैं, मतलब दो प्रेम करने वाले लड़का लड़की हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट या थोड़ा कॉलेज पास कर लिया है, बेकारी की स्टेज है, और फिर हम उसको क्योंकि शोज मिल रहे थे तो 90 में रिवाइव किया, जाहिर है कि दोनों के दोनों 50 से ऊपर हो गए हैं, मतलब अब वो यंग कहानियां हैं, तो मुझे लगता है ये भी उसके एक फेलियर का कारण था, कई बार वो केमिस्ट्री बन जाती थी तो अच्छा हो जाता था। अब भोपाल में उसमें 3 कहानियां थी, एक गोविंद मिश्र की गलत नंबर, एक रमेश बख्शी की तलघर और एक कृष्ण बलदेव वैद्य की सब कुछ नहीं, उसमें डायलॉग ऐसे थे क्या क्यों सुन रहे हो, ये दोनों अक्सर भूल जाते थे और फिर क्यों मिलता नहीं था, कहां से शुरू करें, बहुत बार रिहर्सल करने के बाद भी अक्सर ये इस कहानी में आकर फंस जाते थे, लेकिन चूंकि डायलॉग ऐसे हैं वो निकल जाते थे और ठीक है अच्छा रहने दो, तो कल ऐसा करते करते बहरहाल वो भोपाल का शो, उसके बाद हमने फिर उस प्रस्तुति को बंद ही कर दिया, वो 1.25 घंटे की प्रस्तुति थी, 45 मिनट में खत्म हो गई क्योंकि डायलॉग भूल गए, और बाकी तो ठीक है, उसमें विजुअल है,
पुरुष और औरत की कहानियां हैं, उसका अपना एक आकर्षण है, अजनबी लोगों के बीच में संवाद चलता है, अंतरंग रिलेशनशिप बनते हैं, बात हो गया, लोग टूट के मतलब पड़ रहे हैं, बधाई है और ये है वो है, और हम लोग चारों लोग मतलब दो एक्टर और एक लाइटिंग वाला मुंह छुपा रहे हैं कि कैसे मतलब इन सारी एम्बैरेसमेंट से बचा जाए। तो ये जो क्षण थिएटर में आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरे फील्ड में भी होता है, हमी को फिर एम्बेरेसमेंट फील करने की क्या जरूरत है, या हो सकता है वो भी करते हो कि सचिन तेंदुलकर एक दिन 250 रन जमाता है, दूसरे दिन जीरो पे आउट हो जाता है, तो ये तो चांस की बात है, क्योंकि कौन सा दर्शक है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और दर्शक तो सचमुच में तारीफ कर रहे थे, हमें अपने अंदर से उस दिन पहली बार एहसास हो गया। फिर मुझे याद आया और हम लोगों ने अपने आप को संतुष्टि दी कि लॉरेंस ओलिवियर की रोमियो जूलियट प्रोडक्शन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्यों? जब उन्होंने पहली बार किया वो बहुत यंग थे, और फिर बाद में उन्होंने रिवाइव किया, तब तक वो भी उम्र के मतलब 30-35 साल आगे गुजर चुके थे। आज जो हम ये सारी कहानी बैठकर यहाँ पर याद कर रहे हैं नटरंग प्रतिष्ठान के माध्यम से, तब हम सब लोग 30s में थे, मैं 34-35 की उम्र में था, अमिताभ उससे 7-8 साल छोटे रहे होंगे, और सीमा तो भी बता ही गई कि वो कहाँ तक पहुंची है, तो इस तरह से मैं 70 बरस में आ गया हूँ, यानी कि 35 साल पुरानी बातें। उस वक्त एक ऊर्जा थी, एक जिजीविषा थी, और कुछ करना है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है, और लेकिन वो तरीका बदल गया है, और अब एक नई जनरेशन आ गई है। सीमा ने सवाल जरूर उठाया था कि अब वो मजा नहीं आता, तो मेरा भी यही कहना है कि मजा ये इसलिए नहीं आता कि इतना ज्यादा पैसा सरकार ने फेंकना शुरू कर दिया है, तो उसमें काम इंपॉर्टेंस उसकी कम हो गई है, और वो पैसा मतलब ज्यादा आगे आ गया है। मैं तो निर्देशक होने की वजह से उन कमेटियों में भी रहा हूं, पता चला कि थिएटर रेपर्टरी की ग्रांट है, उन्होंने मुर्गी पालन के केंद्र खोल रखे हैं, मतलब कोई नाटक नहीं किया कभी भी, मतलब ऐसी ऐसी सच्चाइयां हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। 6,000 रुपए वो ग्रांट देते हैं, वो 6,000 रुपया उस आदमी तक तो कभी पहुंचता ही नहीं जिसके नाम पे वो पैसे लिए जा रहे हैं, या के 2,000 के ऊपर साइन कराए जा रहे हैं, या 3,000 के ऊपर साइन कराए जा रहे हैं, तो इतना जब एक ही पे पैसा केंद्रित हो जाएगा, तब फिर रंगमंच की बात करना या जिस तरह के जज्बे की तुम बात कर रही हो वो तो फिर बहुत मुश्किल है। इसीलिए सेफ है कि उस रास्ते पर जाओ ही मत, क्योंकि अभी तो भागलपुर हाउस ही सब कुछ हैंडल कर रहा है, तो मैं देखता हूँ बड़े से बड़ा आदमी वहां फाइलें ही साल भर घुमा रहा है, उस कमरे में देके आता है, फिर मीटिंग के लिए आता है, तो हम लोगों से भी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग तो अपने पढ़ाने के बहाने से वहां जाते हैं, या गपबाजी के लिए जाते हैं, या अपनी रिहर्सलों के बहाने से जाते हैं, लेकिन सबसे मुलाकात हो जाती। अरे जब तुम साल भर तक सिर्फ बगल में फाइलें दबाए ही घूमते रहोगे, जैसा किसी जमाने में टेलीविजन के सीरियल के लिए होता था, वो अब रंगमंच में भी हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि फिर ये सारी बातें कोई माने रखती हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम की सार्थकता यही है। और पिछले 4 ग्रुप्स में मैंने 2 के अटेंड किए थे, और अभी भी आज आधा पहले ग्रुप का अटेंड कर लिया और आज अपना तो पूरा ही कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक किसी जमाने में आप ही ने करवाया था वर्धा में, मौखिक इतिहास लिखने का नीलाभ ने उस काम को जगह जगह घूम कर किया था, तो ये एक तरह का मौखिक इतिहास रिकॉर्ड हो रहा है, और अब एक जगह पर हो जाएगा, जिनको आगे की आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज के स्टूडेंट जो स्कूल में भी आते हैं उनको नहीं मालूम कि इस नाम की कोई संस्था कभी थी, या शायद उनको किसी भी संस्था के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं है, और पूरा मतलब सिस्टम ही बदल गया है,
तो मैं सोचता हूँ हम लोग अपने आप को देखते हैं उस वक्त किसी भी हिंदुस्तान के ग्रुप के बारे में, किसी भी हिंदुस्तान की किसी प्रस्तुति के बारे में हम लोग बहुत जागरूक रहते थे। आईफैक्स का कोई शो हम लोग छोड़ते नहीं थे, यहाँ से भागे हुए जाते थे एनएसडी से या हॉस्टल से। तो वो उत्सुकता और वो सारा कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे में जब तक हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, जरूर रखेंगे, और अभी भी चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरे धैर्य के साथ सुना। और एक आदमी कम हो गया क्योंकि वो बेचारा वहां फंस गया थिएटर ओलंपिक्स में, और तो इस वजह से वो नहीं पहुंच पाए। और मैं समझता हूँ अशोक जी काफी है, मतलब और आप बताएं कुछ और, किसी में कोई जिज्ञासा हो, मेरे ख्याल से तो काफी। कोई कुछ कहना चाहे या पूछना चाहे? माइक ले, एक मिनट माइक। तो सवाल ये जो शेयरिंग ऑफ संभव ग्रुप की जो बात आ रही है, कुछ प्रोडक्शन मैंने भी विटनेस किए हैं। तो नैनीताल वाला जो संस्मरण आपने सुनाया, मैं दर्शक के नजरिए से वहां था, और उसके बाद जब यहाँ एज ए स्टूडेंट आए एनएसडी में, तो उस टाइम में 80 के दशक में अनारो आए थी, और इसके अलावा ये आदमी और चूहे, और एक क्यूरियोसिटी भी थी, नहीं क्योंकि नैन जो है ना एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो वाला नाटक हम स्पेशली आए थे एज ए स्टूडेंट देख रहे। तो वो जो फेज है, वो जो दौर है, आई वॉज यू नो वेरी मच नॉस्टैल्जिक, सारा का सारा रिवाइव हो रहा था। और आज के लाइफ में जो भी संभव ग्रुप कर रहा है अभी देख रहे हैं, आई जस्ट वॉज थिंकिंग 5 और 10 रुपए का टिकट उस टाइम में था, और ये सेकेंड सीजन का मैंने मूवी आजम देखा जिसने 5,000 और 10,000 टिकट। तो कैसे मतलब ये धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है चीजें बदल रही है, तब्दील हो रही है। बस एक किस्सा अंतिम किस्सा सुनाकर, क्योंकि हम अपने ऐसे शोज को याद कर रहे हैं जहां पर शो बहुत खराब हो गया और ऑडियंस बहुत तालियां पीट रही है। तो ऐसा सिर्फ हम ही लोगों के साथ नहीं होता। मैं अलकाजी की प्रस्तुति में खुद अभिनय कर रहा था, वहां पर भी ऐसा हुआ। तुगलक जब हम लोग फाइनल ईयर में थे, तो अलकाजी साहब ने डायरेक्ट किया, 1972 की गर्मियां थी, मई, मेघदूत थिएटर, उसमें उसका मंचन हो रहा था। और आखिरी दृश्य जिसमें तुगलक अपने अध्ययन कक्ष में अकेला बैठा है, और बर्नी जो कि हिस्टोरियन उसके वक्त में आया, तो वो उससे विदा लेने आता है। अब आप सोचिए कि मनोहर सिंह तुगलक के रोल में और बर्नी के रोल में ओमपुरी, दो मतलब बड़े अभिनेता। और जहां बना, मैं अपने वतन लौटना चाहता हूं। अच्छा बर्नी, तुम भी वापस चले जाओगे, इस तरह की उनकी बातें चल रही हैं। अब हिंदुस्तानी में अनुवाद किया हुआ नाटक है। अब थोड़ी देर के बाद उनके संवाद खत्म हो गए। इस बीच में एक पहरेदार को नेपथ्य से मंच पर आना है, वो आ नहीं रहा है। उर्दू का नाटक है, हिंदुस्तानी का नाटक है, ये दोनों भी बेचारे इंप्रोवाइज क्या करेंगे। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड अब रुक गया। अब ऑडियंस तो बहुत समझदार होती है, उसके लिए तो इतना बड़ा अंतराल पकड़ में आ जाएगा। तो तुगलक कहते हैं अपनी मनोहर सिंह की जो भी आवाज मतलब भरी हुई और भरभराती हुई, क्या बात है बर्नी, बहुत देर से अंदर से कोई खबर नहीं आ रही, जाकर देखो तो सही क्या हो रहा है। तो ओमपुरी ने जवाब, हाँ हुजूर मैं पता करता हूं, वो अंदर आए। अब वो तीन हमारे विंग्स हैं परमानेंट सीमेंट पत्थर के बने हुए, वहां से अंदर। अब आपको पता है आखिरी सीन है, और थिएटर में आखिरी सीन में कॉस्ट्यूम फेंक रहे हैं, मेकअप उतार रहे हैं, क्योंकि सबको घर भागना है, बिल्कुल आखिरी सीन है। थोड़ी देर भटक के कहां है वो पहरेदार, कुछ नहीं पता चला। वापस आते हैं, जहां बना मुझे भी नहीं पता चल रहा कि अंदर क्या हो रहा, लेकिन इतना जरूर पता चल गया
कि आजम जहान का कत्ल हो गया, ये सूचना उस पहरेदार को लेकर आनी थी। ये तो ड्रामा हो गया, सूचना मिल गई, नाटक आगे बढ़ गया। अब वो पहरेदार कहाँ है, नाटक इसमें है। उस पहरेदार को नसीर आजम जहां का रोल करता था और जसपाल अजीज का रोल करता था, ये दोनों कोपर निकस की तरफ जो गेट है मेघदूत का, वहां बैठकर स्मोकिंग चल रहा है इनका। और इन दोनों ने उस पहरेदार को, क्योंकि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, पहरेदार का ही रोल करेगा वो, तीरथ, तीरथ नाम का एक स्टूडेंट था, उसको अपने पहरे पे लगा रखा है। सुनो, तुम यहां खड़े रहो, और जब अलका जी साहब, क्योंकि अलका जी साहब बड़े नर्वस होते थे प्रोडक्शन करते हुए, वो पीछे घूमते रहते थे, तो उनके जूतों की आवाज ठक 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 के, सुनो अरे अलका जी आए तो तुम अपने भाले से ऐसे ठक कर देना, हम सिगरेट बंद कर देंगे। अब उस दिन संयोग देखिए कि अलका जी साहब आए नहीं, ये पहरेदार वहीं खड़ा रह गया, दृश्य निकल गया, सीन हो गया। ऑडियंस को जाहिर है कुछ पता नहीं चला, वो नाटक थोड़े पढ़ के आते हैं, मतलब कोई भी ऑडियंस तुगलक पढ़कर क्यों आएगा नाटक देखने के लिए। तो सब कुछ मैनेज हो गया। और तुगलक के बारे में तो बड़ा जोक ये है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों को पहला नाटक नहीं, तुगलक ही पढ़ाया करते थे या बाकी इतिहास पढ़ाया करते थे, तो कर्नाटक का स्टूडेंट तुगलक पढ़ने के बाद कहता है कि अरे इतना अच्छा नाटक है, इसको कन्नड़ में ट्रांसलेट करूंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि मतलब संभव ही ऐसी गलतियों का जिम्मेदार नहीं है। अब आप तो मैं सिर्फ दो बातें इस संक्षेप में कहना चाहूंगा। हमने भोपाल में भी टिकट लेके नाटक देखने की शुरुआत कारण जी से की, और उस समय हमारे शिक्षा मंत्री कला परिषद के अध्यक्ष थे कारण जी, एक रंग शिविर में आए थे, उन्होंने दो नाटक तैयार किए, रसगंधर और दूसरा क्या था, एक और द्रोणाचार्य। तो उसकी टिकट, ये पहली बार टिकट, अब बाबुओं का शहर तो टिकट तो वहां कौन ले, तो हमने टिकट कहा बिना टिकट कोई नहीं आ सकता, और अर्जुन सिंह से जो कि शिक्षा मंत्री थे उनसे कहा कि आपका और आपकी पत्नी का टिकट बहुत दिखा दिखा के फाड़ेंगे जब आप हॉल में आएंगे। तो कहने क्यों, मैंने कहा ताकि सब लोग देख लें आप भी टिकट लेकर आए हैं, ताकि फिर हमारा मार्ग अटक रहेगा। ठीक आए, उनका टिकट बहुत जोर जोर से हल्ला करके टिकट बताइए टिकट बताइए करके, और सारे हॉल ने देखा। 17 वर्ष तक फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बिना टिकट प्रवेश करें। भारत भवन के दिनों में एक बार एक नाटक हो रहा था, वहां हमारे गृह मंत्री पहुंचे तो उनको रोक लिया, कहा टिकट, कहा मैं तो गृह मंत्री हूं, कहता होंगे लेकिन हमको तो बिना टिकट हम आपको प्रवेश नहीं कर। बहुत झुलझुलाए, नाराज हुए, चले गए। उन्होंने रात को अर्जुन सिंह को फोन किया, वो मुख्यमंत्री थे, कि ये भारत भवन के लोग बड़े बदतमीज हैं। तो क्यों, क्या हुआ, क्या बदतमीजी हुई, नहीं मैं नाटक देखने गया था तो मुझे रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो कहने क्यों नहीं जाने दिया, कोई कारण था, लोग टिकट मांग रहे थे। तो कहा देखिए बिना टिकट के तो मैं भी नाटक देखने नहीं जा सकता, तो आप कैसे चले। एक तो बात ये, दूसरी बात जो यहां उठी है, ये सारे प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए घोर संकट का समय है। आप जब ये याद करते हैं, ये आपने कहा कि वो इस तरह की प्रतिबद्धता, उस तरह का पैशन, उस तरह की दृष्टि साधनों पर आधारित नहीं थी, साधनों के अभाव की रणनीति पर आधारित थी, कि हम रंगमंच करेंगे, हमारे पास साधन नहीं है, उसके बिना भी हम करेंगे। अब यह है कि सारी रंग दृष्टि साधनों पर केंद्रित हो गई। यह खतरा सिर्फ आपको ही नहीं हुआ, रंगमंच को नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य में भी हो रहा है, ये शास्त्रीय संगीत में भी हो रहा है। इस बात की कोई का खास एहसास नहीं है दुर्भाग्य से, क्योंकि हम सब सेलिब्रिटीज के चक्कर में हैं, कि कितनी बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और अब हो ये रहा है
कि सिर्फ राजनीति में ही बौनों का अभ्युदय नहीं है, ये प्रदर्शनकारी कलाओं में भी बौनों का अभ्युदय, वहां भी छोटे छोटे लोग इनके पास बहुत साधन हो गए हैं, असर कम होते जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में इस समय भयानक संकट है, सारे महान गायक और महान वादक लगभग समाप्त हो चुके हैं, शास्त्रीय नृत्य में भी लगभग यही स्थिति, अभी भी बिरजू महाराज, अभी भी वही पुराने लोग जो 70 साल से दृश्य पर जमे हुए हैं उनको रिप्लेस करने वाले लोग नहीं आए। रंगमंच में भी हम जो बड़े बड़े नाम याद करते हैं, आप लोग आखिरी लोग होंगे, उसके बाद किसको याद करेंगे, तो ये एक बड़ी भयानक समस्या पैदा हो रही, इस पर अलग से कभी विचार होना चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि विचार हो। आप सब लोग यहाँ आए, इतनी दिलचस्प बातें सुनने को मिली, इस तरह से क्या क्या होता है और जो दिखाई देता है और जो दिखाई देने के पीछे है। डब्ल्यू बी येट्स की एक बहुत प्रसिद्ध कविता समाप्त होती है इन पंक्तियों से, लेट अस नाउ गो डाउन टू वेयर ऑल द लेडर्स स्टार्ट इन द फाउल रैग एंड बोन शॉप ऑफ द हार्ट। तो आज आपने ये चिथड़ों और गंदगी से भरी जो हृदय की दुकान है उसका कुछ आपको दर्शन कराया, इसके लिए आपकी बहुत कृतज्ञता।